गुड आफ्टरनून माई डियर स्टूडेंट सारे के सारे आ गए हो आप। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं आवाज आ रही है पानी पी लिया है आपने पानी ले लिया है सारे के सारे आ गए हैं आप यस द सेशन इज ऑन बेटा सारे के सारे we have got 23 likes, 19 लाइक्स 50 watching. That's great. That ग्रेट दैट इज say आई से टीम जो जल्दी से शुरू करते हैं आज हम करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू बिगिन ओवर विद सॉलिड स्टेट और यहां पर आपके पास लिंक है आपका गूगल मीट का लिंक यहां पर इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में गूगल मीट का लिंक भी है तो अगर कोई गूगल मीट पे ज्वाइन करना चाहता है तो वो गूगल मीट पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड uh, yeah. नहीं यहां ये यह क्यों बंद करूंगा मैं ये बंद नहीं करना मुझे ग्रेट ठीक है तो सबको मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर आ रही है गुड आफ्टरनून प्रियांशु बेटा प्रत्युष भी आ गए हैं सब आ गए हैं चलिए सो लेट्स बिगिन ओवर विद समथिंग कॉल्ड द सॉलिड स्टेट दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंड वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ टूडे एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री मिनट एक मिनट एंड हेयर वी स्टार्ट तो, so, ये क्या हो गया हाँ इसको भी सही करते हैं चलिए किसी को कुछ कहना है तो कहिए जल्दी से बोलिए कुछ बताना है कुछ सुनना है और यहां पर अक्षय ठाकुर भी आ गए हैं जो कोई भी गूगल मीट पर आना चाहे वो गूगल मीट पर आ सकते हैं जो कोई यूट्यूब पर करना चाहे वो यूट्यूब पर कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना गूगल मीट पर आपका डेटा काफी ज्यादा खर्च हो जाएगा तो जस्ट टेक केयर ऑफ द डेटा ठीक है ना परफेक्ट ठीक है थोड़ा सा अभी पीछे का आ रहा था वो नहीं आएगा अब हाँ जी बेटा सान्या जीते रहो बेटा बेटा बार बार मत लिखो एक बार में लिखो रिडॉक्स रिएक्शन भी आज ही हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम पहले रिडॉक्स रिएक्शन कर लेंगे तो चलिए अब हम काम शुरू करते हैं सबने जितने भी यहां पर स्टूडेंट हैं सबने लाइक कर लिया सब्सक्राइब कर लिया शेयर कर दिया और कमेंट भी कर दिया है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थर्टी लाइक्स है थर्टी थ्री वॉचिंग है और हमारे पास कितना टाइम हो चुका है वी हैव गॉट थ्री मिनट्स And we begin with it. तो चलिए जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं एक बात बहुत सॉलिड स्टेट आपका जो सीबीएसई कट गया था लेकिन आपके नीट के एग्जामिनेशन में सॉलिड स्टेट डिलीट नहीं हुआ है इसलिए आपको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इज दैट क्लियर केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग बेटा फिजिकल का पार्ट नहीं है वो इनऑर्गेनिक का पार्ट मैं मान के चलता हूं तो इसलिए हम इनऑर्गेनिक के पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ये हम प्रियोडिक्टेबल केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड मेटलॉजी ये हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इज दैट क्लियर और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो चैप्टर आपको पता ही है दो चैप्टर हमारे पास इलेवंथ के हैं और तीन चैप्टर हमारे पास तीन नहीं पांच चैप्टर हमारे पास ट्वेल्थ के हैं तो वो सारे के सारे हम करने वाले हैं ठीक है नहीं वो कल नहीं होगी बेटा वो अगले सैटरडे को होगी सैटरडे संडे को होगी हमारी क्लासेस सैटरडे संडे को है कल आपकी आई बिलीव बॉटनी की क्लास है पूरा का पूरा बॉटनी का रामबाण होने वाला है कल ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं अच्छा जब हम सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है इट इज एक्सट्रीमली इजी चैप्टर एज एज फार द नीट एग्जामिनेशन इज कंसर्न क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि नीट एग्जामिनेशन में आपसे लंबे चौड़े थ्योरी नहीं पूछी जा सकती लंबे चौड़े डेरिवेशन नहीं पूछे जा सकते गिने चुने फॉर्मुले हैं सॉलिड स्टेट के और कुछ लर्निंग है तो ईजिली आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर हो जाएगा ठीक है अब आपने शुरू कहां से करना अब ये सारे के सारे जो कहानियां हैं ये बिल्कुल बेकार की कहानियां स्टार्टिंग की जो पहला चैप्टर है तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इन सॉलिड स्टेट अब यहां पर ये जो पार्ट है ये तो एक नॉर्मल सा जनरल सॉलिड स्टेट का है कि ये सॉलिड स्टेट सॉलिड होते क्या है तो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड तो दिस इज व्हाट वी हैव द नॉर्मल चीज़ें देखो इस पे क्वेश्चन नहीं आता अभी तक तो नहीं आया क्योंकि ये ये जो टॉपिक है वो नाइन्थ क्लास का माना जाता है अगर एग्जामिनर इस मूड में है कि बच्चों को किसी भी तरीके से मार्क्स ही देने हैं दे दो भैया मार्क्स दे दो तब तो ये बात है कि ये दिया जा सकता है अदरवाइज ये नहीं दिया जा सकता इज इट क्लियर वी हैव गॉट एंड थ्री लाइक्स लाइक को फिफ्टी बनाओ जल्दी से ठीक है फिर हम आज भी टू हंड्रेड लाइक्स को टारगेट करने वाले हैं पर पहले फिफ्टी पे तो पहुंचे क्लियर अब ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन और ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना बन सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर वॉट वुड बी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अब वहां पे आप उसको मजे में दे कि या फिर या आयनिक नेटवर्क या फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड नॉन पोलर पोलर तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हमारे सॉलिड के कई सारे हैं तो प्लीज छोटी सी बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर इट इज अमोफर्स एंड क्रिस्टलाइन ठीक है ओके वी हैव गॉट 50 लाइक like, 50 वाचिंग एंड 48 एट लाइक्स कमाल है दो लाइक अभी भी रह गए हैं ठीक है अब यहां पर जो है अमॉर्फस अमोरफस होता क्या है वो नहीं हमें पता लेकिन हाँ ये है सोडियम क्लोराइड एंड क्वार आर क्रिस्टलाइन ठीक है देन वी हैव ग्लास रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स विदोर्फस ये सवाल बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी है कि विचार द अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पूछा जा सकता है एनसीआरटी में दिया गया है कुछ नहीं पता एग्जामिनर जो है इन चैप्टर्स में से जो कि चैप्टर आपके बोर्ड्स में नहीं थे उस चैप्टर के अंदर आप पे रहम खाते हुए बहुत इजी क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर किसी ने एक बार भी ये चैप्टर पढ़ा तो उन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है लेकिन अगर किसी ने पूरी तरीके से छोड़ दिया है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा शम्स खान ग्रेट यहाँ पे वजीर साहब भी आते हैं आप शम्स खान भी आ गया आप पाकिस्तान में हम ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं गुड वेरी गुड 54 लाइक्स हो चुके हैं शम्स आई बिलीव आपने लाइक like कर लिया है हाजी खान मैं बिल्कुल बढ़िया बेटा जीते रहो ठीक है चलिए तो ये हमारे पास है हमारे पास और ये हमारे पास आ जाता है अब जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और ये अमाफा सॉलिड्स का देखो तो यहां पर ना इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने पिछले के अंदर जब मैं क्लास की बात कर रहा था तो आई मोस्टली ये जो आपको टेबल है याद नहीं करना ये टेबल याद नहीं करना ये टेबल याद नहीं करना कह रहा था ना लेकिन यहां पर उल्टा हो जाएगा यहां पर जितने भी टेबल है वो सारे के सारे टेबल आपको याद करने हैं ठीक है बेटा आज हम क्या टॉपिक करेंगे आज हम ट्वेल्थ क्लास की पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करने वाले हैं ठीक है ज दिस क्लियर तो ये हमारे पास आ जाता है क्लियर अब एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक को बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक इज गोइंग टू तो बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मंडे टू फ्राइडे केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा बेटा मंडे टू फ्राइडे केमिस्ट्री के अंदर एक हमारी क्लास होगी जिसके अंदर हम करने वाले हैं नाइनटी मिनट्स का एक टॉपिक ठीक है आज कंप्लीट मॉक कर स्टार्ट कर दो कंप्लीट मॉक तो चल ही रहा है बेटा हमारा उसमें तो कोई कहने की वाली बात ही नहीं है वी आर ऑलरेडी हैविंग कंप्लीट मॉक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है अच्छा यहां पर ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रॉपिक की बात हमारे पास आ जाती है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये टेबल ही याद करने है। क्योंकि बात सीधी सी यही है ये कि जो भी आपके चैप्टर में लिखा हुआ उस सब की समरी इस टेबल के अंदर है कर दो बेटा सानिया शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को सारा का सारा, सारा सेशन और 61 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द 75 लाइक्स जल्दी से 75 लाइक्स का ठीक है ओके फ्राइडे को हमारा मेंटी क्विज होता है तो दिस इज वॉट वी हैव द डिस्टिंक्शन बिटवीन ये इंपॉर्टेंट टेबल है इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है ओके okay? और यहां पर बहुत कुछ रिपिटिशन है तो एक बार चैप्टर पढ़ लोगे ना तो बहुत सारे रिपीटिशन क्लियर हो जाएंगे अब यहां पर ये है अब इसके अंदर भी ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है ना इसमें ये सारा का सारा का नॉन पोलर सॉलिड्स पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड आयनिक सॉलिड्स मेटलिक सॉलिड्स नेटवर्क सॉलिड्स इसके लिए ये पूरा का पूरा हमारे पास ये टेबल है अनदर इंपॉर्टेंट टेबल ये वाला टेबल याद करना है इस टेबल के ऊपर आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है समझे यू कैन हैव एक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल ये टेबल याद करना आपको याद है ना आई जस्ट एंटर्ड इन ट्वेल्थ नहीं बेटा सानिया इफ यू हैव जस्ट एंटर्ड इन ट्वेल्थ ये वाला सेशन बिल्कुल मत देखो सब उड़ जाएगा आपका भाई मैं सिर्फ व्यूज के लिए स्टूडेंट को ये नहीं कर सकता आ जाओ आ जाओ कुछ, कुछ 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 समझ में आ जाएगा कुछ कुछ तो समझ में आ जाएगा लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा यह मैं सिर्फ एनसीआरटी बहुत तेजी से करवा रहा हूं अगर आपको फिर भी यही देखना है कि क्या आखिरकार इंपॉर्टेंट है और किससे आप नीट एग्जामिनेशन के लिए किस चीज में प्रिपेयर कर सकते हो देन ओके योर विश बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको ज्यादा समझ में आएगा ओके okay? अब यहां पर हमारे क्रिस्टल लैटेस्ट क्रिस्टल पॉइंट क्या होता है लैटिस पॉइंट क्या होता है स्पेस लैटिस क्या होता है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है टू डायमेंशन में अब ये जो है ना क्वेश्चन कुछ, कुछ इस तरीके से आते हैं कि टू डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है थ्री डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा एग्जैक्न क्लोज पैकिंग में टू डायमेंशन में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा थ्री डायमेंशन में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा या स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा या कंट्रीब्यूशन क्या होगा यूनिट में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं इज दिस क्लियर ठीक है तो ये हमारे पास हाइपोथेटिकल टू डायमेंशन है ये इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना बहुत है इसको ज्यादा टेंशन मत लेना इसके अंदर कोई बहुत स्कैफोल्डिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता अभी तक तो नहीं आया है अगर कोई बहुत मुश्किल बनाने के मूड में आ गया तो फिर तो सॉलिट स्टेट चैप्टर करने का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा ओके okay? ये आपके पास ये स्क्वेयर अरेंजमेंट है ये आपके पास हेक्सागनल अरेंजमेंट है और ये मैंने आपको सॉलिड स्टेट के जो हमने सफल बैच किया था उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब अब ये क्रिस्टल के कुछ कुछ सवाल कुछ इस तरीके से घुमाया जा सकता है कि आपसे सवाल, सवाल बना दिए जाएंगे जिसको पढ़ने में टाइम लगेगा मुश्किल नहीं होंगे और आपसे ये पूछ लिया जाएगा विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर गिवन थिंग जैसे कि वॉट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टल आर्टिस्ट ठीक है अब ईच पॉइंट इन द लाटिस्ट इज कॉल्ड द मोटिफ ऐसे भी बोला जा सकता बट इट इज नॉट कॉल्ड मॉट इफ इट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट इट्स कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट ठीक है ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मे बी एन एटम मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एन एटम्स और आयंस और ये कह सकते हैं ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रिक्टली एन एटम इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल इट कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल आल्सो ठीक है लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस तो इस तरीके से घुमा के दिया जा सकता है कैन आई वॉच दिस सीरीज एंड स्टार्ट माई प्रिप्रेशन सर बिकॉज इन माई कॉलेज इज नो कोचिंग पार्ट आई एम डूइंग सल्व स्टडी हाँ ठीक है आप सीरीज देख सकते हैं ठीक है इज इट क्लियर और जितने भी लोग आ गए फटाफट -फड़ लाइक करो हम सेवेंटी फाइव लाइक्स कंप्लीट करने हैं जल्दी सेवेंटी फाइव लाइक्स कंप्लीट करने हैं फिफ्टी थ्री वॉचिंग सेवेंटी थ्री लाइक्स होने चाहिए सिक्सटी फाइव है अभी तक सेवेंटी फाइव लाइक्स चाहिए ओके okay? तो ये हमारे पास आ जाता है अब फर्दर एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम किसी भी रिपीटिंग यूनिट की बात करते हैं तो रिपीटिंग यूनिट को हमें रिपीट करना है इन ट्रांसलेशन यानी कि ऐसे लेके जा सकते हैं ऐसे लेके जा सकते हैं ऐसे 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 कहीं लेके जा सकते हैं लेकिन इसको ऐसे घुमा नहीं सकते तो दैट इज नॉट अलाउड टू रोटेट इट ओके क्लियर अब ये हमारे पास लैटिस है अब ये हमारे पास आ जाता है देखो थ्री लैटिस यूनिट सेल इज करेक्टराइज बाय इज करेक्टराइज बाय अब वो कह सकते हैं किल इज करेक्टराइज बायल बिटवीन द्लेन एंगल बिटवीन द प्लेन हम कैरेक्टराइज नहीं करते हैं ठीक है सो दैट कु द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं कभी कभी हो जाते हैं बेटा लेकिन इस समय होने के चांसेस जरा कम है क्योंकि हमारा कोर्स बहुत कुछ चेंज हो चुका है ठीक है अच्छा अब एक और बहुत अच्छा मेरे को बड़ा मजेदार अभी मैं देख रहा था तो मुझे एक बड़ा क्वेश्चन तो आया द सेंटर्ड यूनिट सेल कैन हैव द पार्टिकल्स इन द सेंटर ऑफ ठीक है एच सेंटर फेस सेंटर बॉडी सेंटर एंड सेंटर अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज सेंटर पर अगर पार्टिकल होता है तो दैट डजेंट क्वालिफाई एज अ सेंटर क्योंकि एज सेंटर वाला जो पार्टिकल होता है दैट इज द कॉमन वन उसको छोटा सा करके हम उसका यूनिट सेल डिफरेंट कर सकते हैं तो इसलिए एज सेंटर डज नॉट क्वालिफाई एज द सेंटर्ड यूनिट सेल ठीक है तो इस तरीके से सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर हमारे पास तीन सेंटर्स हो सकते हैं बॉडी सेंटर हो सकता है फेस सेंटर हो सकता है और एंड सेंटर्ड हो सकते हैं so that's what we need to understand of primitive unit cell कौन सा नहीं है ये बात आ सकती है in case of a primitive unit cell the particle is present on only the corners only the corner and the body center only the corner and the face center only the corner and edge, edge end center so that's what we could have kind of a question to is tarike se question ghumaaye ja sakte hain theek hai aur ye hamare paas seven crystal systems hain सेवन क्रिस्टल सिस्टम सब सेवन क्रिस्टल सिस्टम में जो अल्फा बीटा गामा और एबीसी है ये फिर से एक इंपॉर्टेंट टेबल है अगर आप इस चैप्टर में सिर्फ टेबल्स ही याद करते चले जाए आई एग्री बहुत इजी नहीं है इन सारे के सारे के टेबल्स को याद करना लेकिन ये टेबल्स ही अगर आप याद करते चले जाते हैं तो आपको इस चैप्टर को प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस पार्ट को तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती तो इसीलिए आप इसके टेबल जरूर याद कर लीजिएगा ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर याद कर सके तो अच्छी बात है कम से कम एक बार पर जरूर लीजिएगा इनफैक्ट क्यूबिक के एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कोर्स में है ठीक है यहां तक सबको सही है किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है यहां पे लोग आते जाते क्यों है आते जाते ठीक है लेकिन ये सेवन ये ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाता है कि ये एबीसी और बीटा गामा देके पूछा जाएगा दिस इज गोइंग टू कॉरस्पॉन्ड टू विच क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम ठीक है ये हमारे पास हैं ये एग्जाम्पल है अपियरेंसेज आपको नहीं पूछी जाएंगी ये जेई एग्जाम में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन ये आए हुए हैं कि आपको एक हिस्सा बना के दे दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि विच पार्ट विच प्रवाइ लाटस्ट कुड भी लेकिन ये जई एग्जामिनेशन के लिए है नीट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही आपको बॉडी सेंटर के बारे में ये, ये आपको पता है ये सारा का सारा आपने करना और ये कई बार आपको करवाया जा चुका है तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल द बॉडी सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन कोशन और एफिशिएंसी, कंट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे के सारे केसेस में ठीक है बेटा 1991 मोहम्मद बहुत पुराना हो जाता है परवेज 1991 इज टू ओल्ड वी नॉट टेक 1991 नाइनटी वन एज द रेफरेंस अंतराक्ष बेटा आपको कल का सेशन देखना चाहिए हमने जो किया है कल के सेशन के अंदर वही आज हम इस सेशन में करने वाले हैं ठीक है अरे जल्दी से खत्म करो क्योंकि हमें और आज छह चैप्टर्स करने हैं तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन वही बात है इन सबके अंदर कॉर्डिनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन एफिशियंसी दीजर थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा देखिए कॉर्डिनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन एफिशियंसी डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला ठीक है? गनल बिल्कुल हेक्जेगनल के लिए भी वैलिड है सबके लिए क्यूबिक एक्जेगनल क्यूबिक के अंदर सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है ये सारे ये चार चार जो अरेंजमेंट्स है ये तो आपको थॉरली करने ही है इनके अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है देखो मानता हूं कि ये चैप्टर इजी है लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लीजिएगा ठीक है ये हमारे पास है फॉर क्लोज पैकिंग अब ये यहां पर कुछ एक चीजें और हैं छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है वी हैव गॉट सेवेंटी टू लाइक्स तीन लाइक्स और बेटर सेवेंटी फाइव करने के लिए सेकेंड रो ये सारा का सारा हमारा सिंपल अरेंजमेंट्स है ठीक है अब बस इतना तुम्हें याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर इट इक्वल टू द कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो वही कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी आ जाएगा Okay. but number of tetrahedral voids is equal to twice the number of particles. Ki, contributions say double number of tetrahedral voids hoja. Number of tetrahedral voids is equal to twice the number of octahedral voids. Total number of voids in any closed pack that is body uh, face-centered cubic arrangement yeah, hexagonal closed packing is three times.

ठीक है चैप्टर में से ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन तक आ सकते हैं ठीक है ओके अच्छा एक बात का ध्यान रखना एनसीईआरटी के अंदर आपका सोडियम क्लोराइड अरेंजमेंट सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट जिंक सल्फाइड अरेंजमेंट या कैल्शियम फ्लोराइड अरेंजमेंट के बारे में नहीं दे रखा है यह सारा का सारा दे रखा है ओल्ड एनसीईआरटी में या फिर हमने पढ़ा रखा है तो हमारे पढ़ाई हुए सेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा उसको कर लीजिएगा ठीक है ये हमारे पास एबीसी अरेजमेंट और एक बात का ध्यान रखिएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज एबीसी अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ओके लेयरग्नल अरेंजमेंट इज एबीएबी अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एंड लर्न ओके ये रहा फॉर्मुला ऑफ द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं एनसीईआरटी ने तो सिर्फ एक बता के छोड़ दिया है कि भैया कोचिंग वाले टीचर या स्कूल के टीचर बता देंगे स्कूल के टीचर में तो बताएंगे नहीं क्योंकि चैप्टर ही डिलीट हो गया है तो अब रह गया हम कोचिंग वाले टीचर्स के ऊपर ठीक है ना वी आर जस्ट टॉक्ट अबाउट वेयर दलड्रल वर्ड आर अब एक बात का ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दैट टेट्रोहैड्रल वर्ड आर ऑन बॉडी डायगनल ठीक है देयर आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स on each body diagonal okay Quay confusion ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑन द बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर दे आर ऑन बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर ठीक है स्पिनर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा लेकिन स्पिनर वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना आता है तो यू डोंट हैव टू लर्न इट यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट राइट इन द क्वेश्चन पेपर ठीक है ये देखो ये पैकिंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबकी पैकिंग एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर वॉल्यूम निकालना देखो सबकी वॉल्यूम निकालने का तरीका भी यही दे रखा है पैकिंग एफिशियंसी के अंदर ही सब कुछ कर दिया गया है बॉडी सेंटर की फेस सेंटर की पैकिंग एफिशियंसी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है ये देखो फिफ्टी इसका आंसर आ जाता है ठीक है ये एग्जाम्पल्स जो है सोल्व एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्व आर वेरी इंपॉर्टेंट अब इस चैप्टर के अंदर देखो एक बार फिर से समझो एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या होती है एग्जामिनर को ये पता है कि आपके कोर्स में से ये चैप्टर डिलीट हो गया तो इस चैप्टर में से बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगर न्यूमेरिकल आएगा तो दैट विल बी वन ऑफ दी सॉल्व क्वेश्चन ऑफ द बुक एज इट इज न्यूमेरिकल आपको वहां पर एग्जामिनेशन में मिल जाएगा ठीक है ये क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे देखने में हैं तो आप सीधा सीधा इनके आंसर्स याद रख सकते हो एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर एज इट इज नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन या ट्वेंटी 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 या ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये एज इट इज एग्जाम आया हुआ है ठीक है डेंसिटी के क्वेश्चन की कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें किसी ने मुझसे पूछा था बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डेंसिटी के कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहली बात या तो नॉर्मल क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा न्यूमेरिकल वाइज या फिर वो एज इट इज एनसीआरटी का सॉल्व क्वेश्चन होगा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो करने की जरूरत किसे है एज इट इज याद करो ठीक है जैसे कि ये यहां पर एग्जाम्पल आ गया है ठीक है अब ये देखो ये रहा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्कोर स्कोयर क्लोज पैक स्ट्रक्चर यह तो सीधा सीधा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन जाएगा ऑप्शन क्या दे देंगे सिक्स फोर टू थ्री खत्म आंसर इज फोर अब ये देखो ये कंपाउंड फॉर्म्स कम क्लोज पैक स्ट्रक्चर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड टोटल नंबर ऑफ वॉइड इज थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड इज वन पॉइंट फाइव और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना वन ठीक है ना सीधा सीधा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से बन जाएगा और यहां पर ये देखो वॉट इज द फॉर्मल ऑफ द कंपाउंड ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे किसकी हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी है यहां पे चार ऑप्शंस देकर आपसे पूछ लिया जाएगा एन एलिमेंट विद मोलर मास दिस फॉर्म से यूनिट सेल दिस व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल ये पूछ लिया जाएगा नेचर नेचर के अंदर आपको इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है जेड ठीक है समझ में आ रही है ना बात और जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो हमारे पास 54 वाचिंग है 59 वाचिंग आ गए हैं और लाइक हमारे पास 81 ही है इस समय तक तो तो 100 लाइक्स हो जाने ही चाहिए ठीक है अब यहां पे हमारे पास आ जाता है इंपरफेक्शन इन सॉलिट अब हमारे पास इंपरफेक्शन सॉलिट्स इन इन के अंदर हमारे पॉइंट डिफेक्ट है अब यह भी सवाल पूछा जा सकता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिफेक्ट ये भी आ सकता है तो इस तरीके से कोई नाम दे दिया जाएगा जो कि डिफेक्ट का नाम ही नहीं होगा बहुत ऑब्वियसली चीज होगी लेकिन फिर भी अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा इसलिए कह रहा हूं कि ये जो फालतू के चैप्टर है जिनको आपके कोर्स में नहीं है उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इन चैप्टर में से बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि पहली बात तो यही है ना कि अगर इन चैप्टर को किसी ने पढ़ा नहीं है तो इसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता दे रियली यू टू स्टडी द एंटायर सिलेबस और इसलिए वो इस चैप्टर के क्वेश्चन ईजी डालेंगे ठीक है तो अब ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ अस्टॉइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ठीक है नाउ ये भी पूछा जा सकता है द नॉन स्टॉइक्योमेट्रिक डिफेक्ट लीड्स टू मे बी अ डिक्रीज इन डेंसिटी मे बी एन इंक्रीज इन डेंसिटी मेकिंग द क्रिस्टल चार्ज प्लीज रिमेंबर किसी भी स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट या नॉन स्टॉयिक स्टॉइक्योमेट्रिक डिफेक्ट या फिर किसी भी डिफेक्ट या किसी भी वजह से को भी, कोई भी क्रिस्टल कभी भी चार्ज नहीं हो सकता अ क्रिस्टल कैन बी अ परमानेंट मैग्नेट बट इट कैनॉट बी अ चार्ज स्पीशी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स से बहुत कम होता है तो इसलिए एक सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट बनाना पॉसिबल है उसके मैग्नेटिज्म को स्टोर करना पॉसिबल है लेकिन किसी भी सब्सटेंस को परमानेंटली चार्ज रखना पॉसिबल नहीं है। हर सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाता है ठीक है तो ये ये हमारे पास आ जाता है विच ऑफ दीज आर द परमानेंट इफेक्ट विच ऑफ दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉइक्योमेट्रिक नॉन स्टॉक्योमेट्रिक इफेक्ट तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजीली पूछे जा सकते हैं है? हाँ बेटा पूर्वा शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट आर इंपॉर्टेंट और ये सवाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच ऑफ शोज बोथ शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट इज इस ब्रोमाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्साम्पल है एनसीआर में दे रखा है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है ओके एजीबीआर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चलिए क्लियर सो दैट्स व्हाट वी हैव हैव द एंड वी नॉन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि NCRT के अंदर स्पेसिफिक हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड अरेंजमेंट पोटेशियम सोडियम क्लोराइड अरेंजमेंट जिंक सल्फाइड अरेंजमेंट ये दे नहीं रखिए लेकिन इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आयनिक क्रिस्टल्स कितने करने हैं मैंने आपको अभी भी बताया शाह था शाह हनन हमने आपको बताया है सोडियम क्लोराइड करना है सीजियम क्लोराइड करना है जिंक सल्फाइड करना है कैल्शियम फ्लोराइड करना है एंड कैल्शियम फ्लोराइड के साथ एंटी फ्लोराइड हो जाता है ठीक है है अच्छा ये ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि इतनी चीजें यहां से कट चुकी हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या है इनके अंदर सेमी ये ये जो ये यहां पे दे रखा है ना कि ये जो कंडक्शन रेंजिंग बिटवीन या फिर व्हाट इज देअर कंडक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट आ जाता है यहां पे कंडक्टिविटी देखिए दे दिया जाएगा ए हैज़ दिस बी हैज़ दिस सी दिस विच ऑफ देम इज अ सेमीकंडक्टर विच ऑफ अ कंडक्टर विच ऑफ देसुलेटर इस तरीके के सवाल बन सकते हैं okay, अब इंटर ये बैंड जो स्ट्रक्चर है फॉर्बिन गैप वगैरह ये बन सकते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एन एंड दी टाइप सेमी ये एन टाइप सेमी है

मैग्नेट uh, हो या कुछ भी हो दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल कभी भी वो चार्ज नहीं होता ठीक है ये चीजें बहुत ध्यान रखिएगा समझ आई बात

ठीक है और ये हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है ना ये नहीं आता एन टाइप सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन फिजिक्स का पार्ट आ जाता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ZnS यह CdS r एग्जांपल ऑफ ग्रुप 50 12 16 कंपाउंड्स ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है लास्ट क्वेश्चन व्हाट कैन यू से अबाउट द 12 16 कंपाउंड्स ठीक है और ये इंपॉर्टेंट है ये 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 एग्जांपल ये है विच ऑफ दीज ऑक्साइड बिहेव लाइक मेटल्स इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रीनियम ऑक्साइड लाइक मेटल कॉपर इज कंडक्टिविटी एंड अपियरेंस ठीक है ये देखो ये एंटीआईओ थ्री शो मेटलिक और डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंस हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आ जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रो ना डेंसिटी की बात करो पुष्पयन लेकिन ये वाले के अंदर सिर्फ सब्सटीट्यूट करना रह जाएगा बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन हो जाता है ठीक है बोर की वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाती है ठीक है लेकिन ये जरूर आ जाता है कि विच ऑफ दीज वुडग्नेटिक ठीक है विच ऑफ दीज वुड बी डाया मैग्नेटिक विच ऑफ दीज आर फेरोमैग्नेटिक एंड विच ऑफ देम दैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक कौन से हैं इसके एग्जाम्पल जैसे पूछे जा सकते हैं फेरी मैग्नेटिक ये सब्सटेंस है फेराइट्स आर ऑफ ठीक है अब ये एक बात का ध्यान रखना दे लूज फेरी हीटिंग एंड बिकम पैरा ठीक है सो दैट वॉज द टॉपिक अबाउट द सॉलिड स्टेट किसी को यहां पर कुछ पूछना है तो पूछ लो नी वन हेज टू आस्ट एनि थिंक सर फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक को कैसे पहचानने फेरोमैग्नेटिक दे आर गोइंग टू बी अट्रेक्टेड टुअर्स अ मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक ठीक है एंटी फेरोमैग्नेटिक आर नॉट अट्रेक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड एंटी फेरोगेगेगेगेग्नेटिक डाया मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं ठीक है इज दिस क्लियर वैसे हमने सॉलिड स्टेट के सारे के सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं तो क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं क्लियर चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज व्हाट वी नो एज द चैप्टर कॉल्ड सॉल्यूशंस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करें क्या हुआ ओके okay. ठीक है सो लेट्स बिगिन ओवर विद चैप्टर कॉल सोल्यूशन सोल्यूशन चैप्टर के अंदर सीधी सी बात ये है थैंक यू ग्रनाज जीते रहो ये क्या हो रहा है बाय इज इट गेटिंग स्टॉप्ड बार बार यहां पे ना तो गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है ये बैंगलोर है ये बेंगलोर है ये बेंगलोर है तो चलिए लिखते हमारे पास सोल्यूशन की बात है ये सारे की सारी कहानी है अच्छा ये आपका देखो ना वन पार्ट पर मिलियन ये 1.5 पार्ट इज कॉज इज के एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड कैन बी पॉइजनस ये आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक का क्वेश्चन है और यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में भी आंसर दे रखा है ठीक है तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होमोजेनस एंड हैट्रोजीनियस सोल्यूशंस किसी ने मार्क किया था किसी ने आने की कोशिश की थी चलो कोई नहीं ठीक है देखिए इसके अंदर सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन है अब ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखो यहां पर वो के थे, लेकिन 12th के जितने भी वो सारे इंपॉर्टेंट सारे हो जाते हैं आपको याद रखना पड़ेगा इसके एग्जाम्पल भी और ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट भी प्लीज रिमेंबर के अंदर फाइनल सोल्यूशन होता है तो जो भी कॉम्पोनेट पहले से उस स्टेट में है, वो सॉल्वेंट बन जाता है ठीक है इज इट क्लियर वी हैव गॉट 92 टू लाइक्स आठ लाइक और 100 लाइक like करने के लिए जल्दी से लाइक like कंप्लीट करो लेट्स हैव द 100 लाइक्स राइट हियर चलिए लेट्स एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ये सारे के सारे ऑब्वियसली ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है इनके सबके फॉर्मुले इंपॉर्टेंट है किसी को किसी में कोई डाउट है इंटर कन्वर्जन के भी हमने छोटे छोटे शॉर्ट बना दिए किस तरीके से हम मोलारिटी को मोलालिटी में मोलालिटी को मोलारिटी में परसेंटेज बाय मास को किस तरीके से हम मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे एक बात का ध्यान रखना मोलारिटी इज इक्वल टू टेन इंटू मास परसेंट डेंसिटी इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय तनु वर्मा काफी लेट हो गए हो आप डिवाइडेड बायर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है और दैट इज वैलिड फॉर द मोलरिटी किसका एआईटीएस का एग्जाम था खत्म हो गया इतनी जल्दी अरे वाह कुछ लोग तो कह रहे थे बारह बजे एग्जाम शुरू होगा या बारह बजे तक ही था ओके ओके ग्रेट 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 तो आई बिलीव अब कुछ लोग और आने चाहिए ठीक है ना एनी वे विल अरेन्ज द टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली दिस इज वॉट वी हैवल्यूम परसेंट वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूमेंट ऑफ द कॉम्पोनेट वॉल्यूफ कमपाउंड और हाँ, हमारे तो इस सेशन के ऊपर रिकॉर्डिंग भी देख जा सकती है तो दट इज नॉट अ प्रॉब्लम तो ये सारा का सारा वॉल्यूम परसेंट की बात आ गई है वॉल्यू परसेंटेज और मोलालिटी मोलालिटी अगर हम मोलालिटी की बात करें तो परसेंटेज बाय मास से हमारे पास ये आ जाएगा मास परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ठीक है इनटू हंड्रेड माइनस मास परसेंट इनटू थाउजेंड सो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर मोलालिटी ठीक है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बिकम द मास ऑफ द सॉल्वेंट और ये थाउजेंड उसे केजी में कन्वर्ट कर देगा This is going to be number of moles, ठीक है आई थिंक मोल फ्रैक्शन तो आप निकाल ही सकते हो ना ठीक है उसके लिए तो मुझे फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है और मोलैरिटी uh, और मोलैलिटी आपस में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं तो अगर मैं उनके डेफिनेशन दूं तो चलिए सीधा सीधा मैं देख लेता हूं मोलालिटी इसी एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए दूसरा फॉर्मूला इसको ऐसे घुमा के बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू मोलारिटी डिवाइडेड बाय ठीक है थाउजेंड इनटू डेंसिटी minus molarity into molar mass into thousand okay because thousand into density this will become mass of solution this becomes मास ऑफ सॉल्यूट तो दिस टोटल बिकम्स मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है इन ग्राम्स ये थाउजेंड उसको इन किलोग्राम कन्वर्ट कर देगा सो दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला अरे एक मिली इक्विवेलेंस वै कोई नहीं है कार का क्या बोलूं अब मैं इज़ अप टू 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, देन मोलारिटी इज लेस देन मोलारिटी, कैन दिस बी ऑलवेज बी क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग ऐसा नहीं होता बेटा बहुत सारी चीजें होती है मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है इज दैट क्लियर तो ये हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन का आ जाता है मोल फ्रैक्शन आ जाता है दिस इज द कंसंट्रेशन यूनिट्स दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर और ये जो एग्जांपल एग्जांपल्स हैं ये एग्जाम्पल्ड एग्जांपल्स एज इट इज आ सकते हैं ये वाला चैप्टर तो आपका इलेवन ट्वेल्थ की क्लास के कोर्स में भी था और ये हमेशा से रहा है तो इसके अंदर इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं वैसे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है लेकिन फिर भी इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इज दिस क्लियर किसी को कुछ पूछना है यहां तक ठीक है ना हम्म चलो ओके दीज आर डॉक्स, मोलैलिटी मोलैरिटी और ये हमारे पास ये सीधे सीधे एग्जाम्पल्स हैं टेक्स क्वेश्चन देखो अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है आपने इंटेक्स क्वेश्चन तो जरूर किए होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अगर कर सकते हो तो कर लो नहीं कर सकते तो इनके सोल्यूशन एटलीस्ट पढ़ लो क्योंकि अभी लिखने का ज्यादा टाइम नहीं है देखो टाइम के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी बदलती चली जाती है कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपने पहले तो ये बोला था आप बोल रहे हो अरे भैया समय बदलता है तो हमें भी बदलना होता ही है ठीक है जल्दी से लाइक करो यार नाइन्व लाइक्स हमारे लेकर बैठे हैं और थर्टी वन वॉचिंग हमारे पास है जल्दी जल्दी लाइक करो तो ये हमारे पास आ जाता है सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं लाइक डिजॉल्स लाइक सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ हेनरीज लॉ आ जाता है यहां पर यह हेनरीज लॉ आ जाता है अब हेनरीज लॉ का बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये टेबल है ये लर्न नहीं करना नॉट टू लर्न लेकिन एक दो चीजें इस लॉ से एक बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है वो ये कि सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय के एच यानी कि केएच जितना बढ़ता चला जाएगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी एंड केएच इज इन्वर्सली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है नहीं 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 सॉरी सॉरी गलत बोल दिया के एच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है के एच की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है मतलब की सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस कम हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है और यही यहां पर टेबल भी दे रखा है तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर विच ऑफ द सब्सटेंस इज द मोस्ट सॉल्युबल तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फटाफट फड़ नाम बता दीजिए विच ऑफ सब्सटेंस इज द मोस्ट सॉल्युबल एट टू नाइन एट किल इन वॉटर के एच की वैल्यू आपको दे रखी है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सामने आंसर लिखा हुआ है परफेक्ट जल्दी से बताओ यहां पे यार यूट्यूब पे भी आंसर दे दो यहां पर हमें गूगल मीट पर तो आंसर मिल चुका है लेकिन यूट्यूब पर भी आंसर मिल जाना चाहिए ना सो गए क्या यूट्यूब वाले कहा गए यूट्यूब वाले 98 एट लाइक्स पटका के छोड़ दिया हमें अरे भैया फॉर्मेलिटी हाइट हैज हाईएस्ट वॉलिबिलिटी क्योंकि उसके के एच की वैल्यू इज द मिनिमम इन दिस टेबल। आर्गन आर्गन हीलियम नहीं बोलोगे बेटा डॉक्टर भूपेंदर कुछ भी आंसर बताते बताते सामने टेबल लिखा होते होते आप गलती कर रहे हो नीट के एग्जामिनेशन में क्या करने वाले हो वहां पे तो एग्जामिनेशन प्रेशर एग्जामिनेशन प्रेशर और होगा ठीक है ये कैलकुलेशन बहुत लंबा है इसलिए अगर ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आ गया तो इसका आंसर याद होना आपके लिए जरूरी है ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ भी पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है यहां पर ये जो चीजें ना डायल्यूटेड विद हीलियम ये बहुत ही फेमस और घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है ठीक है अब ये आ गया हमारे पास रॉल्स लॉ Raoult's law is a specific case या limiting case of Henry's law. ठीक है ये यहां पे डेरिवेशन इसका पूरा एक बात का ध्यान रखना आइडियल सोल्यूशन के लिए हमेशा जो वेपर प्रेशर होता है वो कॉम्पोनेंट के वेपर प्रेशर के बीच में होता है यानी कि प्योर कॉम्पोनेट्स के वेपर प्रेशर से ना तो सबसे हायर वाले से हायर होगा ना लोअर वाले से लोअर होगा उनके बीच में होगा अगर कहीं उससे हायर वाले से हायर जा रहा है तो ये पॉजिटिव डिविजन के लिए होगा और नीचे वाले से नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव डिविजन में होगा एंड दीज विल बी एजियो ठीक है ना सो दैट इज वॉट वी हैव एज इज ट्रोप्स एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है सेफ स्कोर इज 650 फिफ्टी प्रिंस और हर बार सेफ स्कोर बदल जाता है ऐसा नहीं है कि एक सेफ स्कोर की बात पकड़ के बैठ जाओगे तो हमेशा के लिए वो सेफ स्कोर हो गया 99 पे अटके पड़े हैं 99 लाइक्स पे कितना बुरा लगता है ना 99 लाइक्स पे अटके पड़े रहना चलिए अच्छा एक बात का ध्यान रखना कॉम्पोजिशन ऑफ ये वेपर फेज ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये करवा भी चुके हैं हम आपको यानी कि बाय ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन p naught axa plus p naught bxb okay so that is what we have as ya that is equal to pa upon pb okay now what is this this is the mole fraction in vapors or what is this x this is mole fraction इन सॉल्यूशन तो ये याद रखना ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है ठीक है तो मजेदार बात है ना बढ़िया है बढ़िया है ठीक है चलो आगे देखें अब ये एट इक्िब्रम वेपर फेज विद वॉल्यूज भी रिच इन द कॉम्पोनेंट विच इज मोर वोलाटाइल और यहां पर एक बात का ध्यान रखना से वेपर फेस इज रिच इन कंपोनेंट विच इज वेलाटाइल इन कंपेरिजन टू इट्स कॉम्पोजिशन इन द सोल्यूशन ठीक है कोई कंफ्यूजन किसी को चलो राउल्स लॉ स्पेशल केस स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ यहां पर के एच की जगह ये पी नॉट हो जाता है बाकी सब कुछ सेम है द राउल्स लॉ बिकम्स इसके वो भी सवाल जैसे बन सकता है हाउ इज राउल्स लॉ द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ वेयर द के एच बिकम्स इक्वल टू पी नॉट ठीक है, था है? For any solution, the partial pressure of the each volatile component, the solution is directly proportional to mole fraction. That is Ra Raoult's law. general form, me, okay. Bhargava outside, okay. The solutions which obey the Raoult's law over the entire range of solutions are known as ideal solution. Or ye dhyan rakna. Or ha, huh, delta S is ग्रेटर दैन जीरो नहीं है डेल्टा एस निगेटिव नहीं है डेल्टा ग्रेटर इवन आइडियल solutions. ठीक है ओके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास नेगेटिव डिविएशन आ जाता है और हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन आ जाता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन आई बिलीव आप एनसीआरटी मेरे साथ पढ़ते चले जा रहे हो थैंक यू अनुराग जीते रहो बेटा आई बिलीव आप सारे के सारे पढ़ते चले जा रहे हो एनसीईआरटी पढ़ते जाना अगर कोई डाउट है तो पूछते चले जाना ये नेगेटिव डेविएशन के लिए और ये पॉइंट ये वाला पॉइंट ये ये वाला पॉइंट योर ड्रॉप के लिए ठीक है यहां पर ये आ गया हमारे पास डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है

दीज आर टू टाइप्स ऑफ इज्रॉप मिनिमम बॉइलिंग डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा मिनिमम बॉयलिंग इज्यूट्रॉप हैज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज शु ड्यू टू द पॉजिटिव डेविएशन तो मिनिमम बॉइलिंग इज इज ड्यू टू द पॉजिटिव डेविएशन ठीक है ये रहा विश शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म मिनिमम बॉयलिंग इजट्रोप ठीक है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रो का मतलब है नेगेटिव डेविएशन एग्जाम्पल जितने भी एनसीआरटी में दे रखे हैं, वो आपको याद रखने हैं क्लास इलेवन की केमिस्ट्री के एनसीआरटी रीडिंग जरूरी है क्या शांति वर्मा बेटा एनसीआरटी की रीडिंग उतनी ही जरूरी है जितनी की आपके लिए सांस लेना अब आगे आपकी मर्जी है ठीक है

Okay. Second property is the boiling point elevation, boiling point elevation, Yeah, elevation in boiling point. Then we have freezing point depression, and then we have osmotic pressure. Okay. शांति वर्मा देखो जो लोग कह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की रीडिंग स्किप भी कर सकते हैं वो आपको तसल्ली दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अब एक बात बताओ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर की रीडिंग आप स्किप कर लोगे कितना मुश्किल है मेरे साथ बैठ के अगर आज भी अगर आज और कल अगर आपने लग के मेरे साथ बैठ के पढ़ाई की होती तो मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी रीडिंग करवा दी होती ऐसा कितना टाइम लग जाएगा दो दिन अभी भी आपके पास दो दिन है पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करने के लिए आपके पास दो दिन है छह दिन अगर केमिस्ट्री के लिए लगाओगे छह दिन बायोलॉजी के लिए छह दिन फिजिक्स के लिए तो भी काम हो जाएगा कर डालो कर डालो तुम एनसीईआरटी की रीडिंग स्किप नहीं कर सकते चाहे वो कोई भी टॉपिक हो चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो हाँ एनसीईआरटी की रीडिंग करते हुए आप वो कुछ कुछ सेक्शन स्किप कर सकते हो जिनमें से क्वेश्चन नहीं आते कुछ कुछ सेक्शन अब वो सेक्शन कौन से स्किप कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है अगर नहीं आपको पता तो कल का सेशन पूरा देख लो और साथ साथ उस तो सेशन को देखते देखते पढ़ते चले जाओ ओके अपने फ्रेंड्स को भी कह देना जो भी ये कह रहे हैं ना कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना उनको वो कहना है कि भैया ये वाला पूरा का पूरा सेशन देख लो तीन घंटे का सेशन है तीन घंटे के सेशन के अंदर आपकी पूरी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता सर आई कंप्लीटेड अप्रॉस एट्टी इज दिस फॉर हंड्रेड प्लस और शुड गो विद एंटायर सिलेबस यू हैव टू गो विद विदायर सेब सिक्स हंड्रेड प्लस इज नॉट पॉसिबल पंकज इक्लिब्रियम और पी ब्लॉक विद चैप्टर इज हाई स्कोरिंग पी ब्लॉक लेकिन इक्विब्रियम कोई लो स्कोरिंग नहीं है कंपेरिजन पूछा था इसलिए इक्विब्रियम बोल दिया है ओके okay. अच्छा एक बात का ध्यान रखना एन सॉल्वेंट इज मच हार्डर देन एन सॉल्यूट तो इसलिए एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू एन सॉल्वेंट ठीक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ये बात अच्छी तरह दिमाग में रखना सोल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल एंड सॉल एंड सोल्यूशन मस्ट बी इसलिए सोल्यूट के वेपर प्रेशर को neglect किया जा सकता और सोल्यूट को भी किया जा सकता है इन द डिनोमिनेटर ठीक है वी हैव गॉट हंड्रेड एंड फोर्टीन लाइक्स एंड वी हैचिंग एंड हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ चुका है नाइन नाइनटी सेवन व्यूज हो चुके हैं चलो। ठीक है? दिस इज वॉट वी हैव एज द वेपर प्रेश अब यही सारे का सारा हमें करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द एग्जामिनेशन इसलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना ठीक है लास्ट वॉट वी आर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अब एक बात कह देखते फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ अलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है ये सवाल फालतू सवाल है बहुत ईजी सवाल है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है ठीक है अच्छा इक्राउस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट आपसे पूछा जा सकता है कई बार ये यूनिट का क्वेश्चन आ चुका है ठीक है अब ये ध्यान रखना ये जो थाउजेंड है ना दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर इस बात का ध्यान रखना ठीक है और यहां पर भी ये थाउजेंड इज अ कन्वर्जन फैक्टर पुरानी एनसीआरटी के अंदर ये कन्वर्जन फैक्टर को नहीं दिया गया था उसका फॉर्मूला अलग दिया गया था ठीक है ये टेबल याद नहीं करना ये वैल्यूज अगर दी जाए ये अगर पूछा जाएगा तो दिया जाएगा इसे याद नहीं करना तो ठीक है ना कितना इजी हो जाता है हाँ ये तुम्हें एग्जाम्पल्स याद करने हैं पढ़ने हैं ठीक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ गुड थिंग अब ऑस्मोसिस क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर अब एक बात ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात याद रखना इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन मतलब कि यहां से सॉल्वेंट से ज्यादा फ्लो होता है और सॉल्यूट से कम सॉल्यूशन से कम फ्लो होता है सो नेट नेट फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाता है ठीक है ये बात ध्यान रखना ये सवाल भी एक फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का क्लियर कि ऑस्मोसिस solvent पार्टिकल फ्लो ओनली फ्रॉम द solvent टू द solution, फ्लो ओनली फ्रॉम द solution टू द solvent, flow from the solvent to the solution and solution to the solvent but more is net flow is from the solvent to the solution. दिस is the राइट right वन is दस क्लियर तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना बहुत बढ़िया चीजें हैं और baki आज हम शाम को questions में करने वाले हैं शाम को छह बजे क्लास है जिसमें हम खूब सारे questions करने वाले हैं ठीक okay? है, ये आइसोटोनिक हो जाएगा देन वी हैव हाइपरटोनिक देन वी हैव हाइपोटोनिक ये सवाल आ सकता है विच ऑफ देम इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो प्लीज ध्यान रखना हाइपोटोनिक का मतलब है जिसका कंसंट्रेशन कम हो हाइपरटोनिक वो है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो आइसोटोनिक वो है जिसका कंसंट्रेशन सेम हो कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वांट ऑफ फैक्टर भी, भी इंक्लूडेड हो जाता है ठीक है ये एग्जाम्पल एज इट इज पूछा जा चुका है एग्जाम में ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ठीक है नाउ दैट्स व्हाट वी हैव इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड देन वी हैव अबनॉर्मल मोलर मॉसिस नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ऑफ ठीक है तो दैट्स रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये हमारे पास फॉर्मूला है ठीक है ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में नहीं बोला इन्होंने बहुत महान है बहुत महान है ठीक है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू वैंटा फैक्टर इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट ये भी हमारा फॉर्मूला है ठीक है स्पेसिफिकली मिस कर दिया उस फॉर्मूले को नहीं, ये ठीक है इसी को मैंने एक सिंपल तरीके से लिख दिया है ना दिस इज द सोल्वमेंट सोल्यूट का तो होता ही नहीं ना Not to learn. अब इतना तो आपको पता ही चलेगा ना जितने पार्टिकल उसके हिसाब से आपको ये नहीं देखना होता कि कितना डिसोसिएटेड आपको सीधा सीधा ये देखना होता है आइडियल फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे का सर्वेंट ऑफ फैक्टर के सारे की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पर याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है

गूगल मीट का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिया है ठीक है अगर हम वैंट फैक्टर की बात करते हैं तो वैंट फैक्टर इज इक्वल तो टू वन माइनस आल्फा प्लस एन आल्फा आल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Okay. and then Vanta factor is equal to one minus beta plus beta by N. And beta is degree of association. Okay. दैट्स व्हाट वी हैव एज द सॉल्यूशन चैप्टर रहाम बहुत लेट हो गए बेटा क्या बात है लेट ही नहीं बहुत लेट हो गए हो हमारे दो चैप्टर खत्म हो गए हैं और अब हम शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं रेडॉक्स पहले ठीक है पहले हम रेडॉक्स करने वाले हैं किसी ने कुछ पूछना है चलिए रिडॉक्स चैप्टर के बाद हम करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैनेडिक्स एंड देन सर्फिस केमिस्ट्री नो वी डोंट नीड टू हरजोत मैंने बता दिया आपको क्या क्या याद रखना क्या क्या नहीं याद रखना आपको सिर्फ उसका ऑर्डर याद रखना पड़ता है वो भी आप उसका बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हैं तो यहां पर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है हाइड्रोजन इकोनॉमी ओजोन होल हमें कुछ नहीं करना हमें ये क्लासिफिकेशन की बात नहीं करनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करनी है वैसे ये चैप्टर मैं करवा चुका हूं ये क्वेश्चन फिर से यहां पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये डेफिनेशन हमारे पास है ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्लियर ये रहा ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लेक्चर देख लो रिडॉक्स रिएक्शन का दैट वुड बी मच बेटर देन इवन रीडिंग द एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो दिया रहा है वो तो मैंने आपको कवर किया ही है साथ ही समझा भी दिया एनसीईआरटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ठीक है अब ये सवाल आ गया ना Justify that the reaction इज the redox reaction। अच्छा एक बार बताओगे इस सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिविंग you सोडियम हाइड्राइड इसमें से oxidized क्या हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है बता सकते हो क्या हो गया सारे के सारे सो गए क्या ऑक्सीडाइज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है बताओ तो बताओ ना इसमें ऑक्सीडाइज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिविंग सोडियम हाइड्राइड बट वॉट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज वॉट इज गेटिंग रिड्यूस्ड नो सर तो बोल दिया आंसर तो बताओगे गिवन मी द आंसर द स्लाइड पे जो एनसीईआरटी है उसका यूनिट 7 मेरे एनसीईआरटी में एट यूनिट है हाँ बेटा मैंने यहां पे जो 7 यूनिट है ये मैंने लेटेस्ट एनसीईआरटी से उठा लिया है दैट इज 2023 2023 में ये सेवंथ यूनिट है और 2022 के एनसीईआरटी में ये एथ यूनिट है ये रैशनलाइज कंटेंट है दिख रहा है आपको यहां पे ये 2023 और 2024 का है इसलिए ऑक्सीडाइज यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड ठीक है बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू सोडियम ठीक है तो यह हमारे पास रॉक्स रिएक्शन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता दिया और ये है ऑफ रूल्स मैंने इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से दे रखी है वो यूज कर लो वो ज्यादा इजी है ठीक है और यहां पर ये देखो ना इन कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू मोर नेगेटिव एलिमेंट ठीक है ओके वी है ट्वेंटी फाइव लाइक्स बाकी लाइक्स कहां चले गए क्लियर और ये देख लेना ये जो रूल्स है ना ये ध्यान रख लेना एक पर्स जरूर लेना इनको क्योंकि इसी के अंदर से क्वेश्चन बनने वाले हैं ये छह रूल्स जो यहां पर लिखे हुए हैं वुड बी इंपॉर्टेंट ठीक है ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म विच इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली मैं हमेशा बोलता रहता था कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है लेकिन लोग रलते रहते थे एनसीआरटी कहती है इट इज द सेम थिंग ओके इज दैट क्लियर ये इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका क्वेश्चन एक्जैक्टली डायरेक्टली एनसीआरटी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये गलत है ये एच सी एल ओ फोर है नहीं मिनट एलिमेंट कंपाउंड हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट ये एक कंपाउंड दे रखा है इसका इससे कोई लिंक नहीं है नो लिंक विद इट अच्छा स्टॉक नोटेशन अब ये स्टॉक नोटेशन में कई बार ऐसा लगता था कि जो हमारे स्टॉक्स होते हैं ना उस स्टॉक के अंदर जो नोटेशन यूज होती है वो मुझे नहीं पता था कि किसी व्यक्ति का नाम था मुझे बाद में तो पता चल गया था लेकिन स्टॉक नोटेशन वॉज गिवन अ पर्सन ये मुझे बहुत बाद में पता चला था जब मैं एमएससी वगैरह करता था मैं सोचता था ये स्टॉक में यूज होते हैं ना इसलिए स्टॉक नोटेशन है लॉजिक नहीं समझ में आया था पर चलो रट्टा मार लिया था बाद में पता चला दिस इज वॉट वी यूज एज स्टॉक ठीक है तो यहां पे स्टॉक नोटेशन देना बहुत इजी हो गया है एफ पे Fe2O3 के अंदर वी कैन राइट इट Fe2 ई टू यहां पर हम डालेंगे इसको थ्री एंड O3 थ्री दिस इज वॉट अ स्टॉक नोटेशन विच गिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ब्राकेट ठीक है सो हे वी जस्टिफाई है ये यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है और ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है ये नाम या, ये याद रखना का हुआ

और ये रिएक्शन एक बार जरूर पढ़ लेना इनमें से एज इट इज एग्जाम्पल आ जाएगा यू वॉन्ट यू रीड द ओल्ड एनसीआरटी कोई बात नहीं नई एनसीआरटी कोई बात नहीं दोनों में से कोई भी एनसीआरटी पढ़ लो दिस वॉट वीव डिसनेशन रियाक्शन अच्छा ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है वेरी वेरी वेरी, वेरी बोल दू ये ये और ये दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड कार्बन सबऑक्साइड का एग्जाम्पल इस बार दे दिया इन्होंने ये तो पहले तो था नहीं ठीक है ना ज्यादा कर दिया इसने नई नहीं, नहीं वाली एनसीईआरटी पढ़ लो भाई उसमें अच्छी तरीके से दे रखा है काफी चीजें ज्यादा दे दी हैं बैलेंसिंग ऑफ़ रिएक्शन आपने सीखा है इंपॉर्टेंट है इसके स्टॉक्योमेट्रिक ऑफिशन पूछे जा सकते हैं हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है प्रियांशु यहां पे नीट स्टूडेंट ही है ठीक है डाउट्स किसी तरह का को कोई कंफ्यूजन चलो यहां पे कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ लो ये इसके सोल्यूशन देखो मैं यहां पे इस समय पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे क्लियर कर रहा हूं दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पार्ट 131 लाइक्स हो चुके हैं वाचिंग वाच्चे, बहुत कम हो गए हैं क्या बात है सो गए हैं या फिर आकाश का टेस्ट देने चले गए हैं बाद में देखेंगे कोई बात नहीं बाद में देख लेना रॉक रिएक्शन इलेक्ट्रोड प्रोटेश प्रोसेस ये अलग चीजें तो हम ट्वेल्थ में ज्यादा करेंगे लेकिन थोड़ा सा यहां पर देख लो ठीक है अब ये देखो डॉक्स टाइट्रेशन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं पढ़ जरूर लेना इसे नॉट टू लर्न वैल्यूज आपको दी जाएंगी चाहे कितनी सिंपल हो वैल्यूज दी जाएंगी हाँ एक थोड़ा सा ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए पीबीसीएस मेजेंटल वाला वो याद कर लेना ठीक है तो हमारे पास फॉर्मूला है लेट Professor B C S M A Z I N T L Had Cup Made of Silver Plated. Gold okay. Late is lithium, potassium, barium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, mercury. प्लाटिनम एंड गोल्ड ठीक है ये याद कर लो और प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट द रिएक्टिविटी सीरीज दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज अलग होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अलग है प्लीज मिक्सअप मत करो सर आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में होगी जरा बताइए ना प्लीज रहा बेटा शाम को छह बजे क्लास है हमारी नेक्स्ट क्लास ठीक है दैट्स वी हैव एज द लिस्ट याद कर लिया आपने ये लिस्ट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसी के साथ हमने इलेक्ट्रो ये रिडॉक चैप्टर समाप्त कर दिया नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ठीक है शुरू करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमारे पास कौन सी है यार ई सी एच वन जीरो थ्री दैट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी ने भी कोई भी सवाल पूछना तो पूछ लो 132 थर्टी टू लाइक्स हैं ट्वेंटी सेवन वॉचिंग है जल्दी से लाइक करो हम 150 फिफ्टी लाइक्स पर तो पहुंचे कल के लाइक्स से ज्यादा है कम है आज के लाइक्स क्या हो गया सारे के सारे स्टूडेंट गायब हो गए कोई बात नहीं एनसीआरटी की बुक अपने साथ लेकर बैठे हो पेन कॉपी लेकर बैठे हो अगर पढ़ने के लिए बैठे हो तो आज पूरा का को पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर मजे लेने के लिए बैठे हो तो बोर हो जाओगे इट ऑल डिपेंड्स आप क्या करने वाले हो तो लेट्स द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने रॉक्स चैप्टर की बात करिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे यहां पर बकवास है यहां तक ठीक है फ्रेंकली स्पीकिंग यहां तक भी बकवास है ठीक है ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है इन डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक ट्वेल्थ क्लास का अबाउट हायर क्लासेस हायर क्लास में कौन पढ़ने वाला भाई ट्वेल्थ हो गई केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ना इसके बाद Galvanic cells कौन से हैं, कपल्स ये डेफिनेशन ध्यान रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है ठीक है ये कैथोड और एनोड की डेफिनेशन ध्यान रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है

लगता है आकाश के पेपर देने के लिए गए हुए हैं बारह बजे से तीन बजे तक पेपर है आपका नहीं बारह बजे से दो बजे तक ठीक है क्लियर ये ध्यान रखना राइट इज ऑलवेज द एनोड राइट इज ऑलवेज द कैथोड राइट इज ऑलवेज लेफ्ट इज ऑलवेज एनोड क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल लोग यूज कर रहे हैं और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पर रिडक्शन होता है तो इसलिए कैथोड माइनस एनोड हो जाता है ठीक है और एक बात का ध्यान रखना इज असाइंड जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रियक्शन बड़ी मजेदार सी बात है कि विद चेंज इन टेम्परेचर द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डज नॉट चेंज समझ आ रही है बात विद चेंज इन टेम्परेचर द पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डज नॉट चेंज ठीक है ये हमेशा जीरो ही रहेगा ठीक है एनसीआरटी इस मामले में इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है कि समझ नहीं आता कि ये कैसे करें अच्छा ये क्वेशन है ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नॉन्स इक्वेशन के बेसिस so, वाली बात है अच्छा ये एक बार एक क्वेश्चन आ गया था विच ऑफ देम इज इक्वल टू वन सही यहां पे तो नाइन सिक्स फोर है हमें नाइन सिक्स फोर एट सेवन है नाइन सिक्स फाइव जीरो एनसीआरटी ने हर जगह नाइन सिक्स फोर एट सेवन यूज किया है नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो नहीं यूज किया है ठीक है अब यहाँ ये अभी या, या भी तो मैंने बोला था नॉट टू लर्न ये फिर से आगे टेबल अच्छा हाँ वो तो उसमें इलेवंथ में था नॉट टू लर्न ठीक है जो मैंने आपको बताया वो याद करना जरूरी है ये रट्टा मारना जरूरी नहीं है ठीक है ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक okay? है ये जो पार्ट है ना ये ये पार्ट ये Q है यानी कि दिस इज रिएक्शन क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन चलो और एक कांस्टेंट का डेफिनेशन हमारे पास है ये यार इतनी कहानी हमें नहीं चाहिए हमें सिर्फ ये चाहिए ये दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन ठीक है तो हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट सेल ज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाय एन लॉग ठीक है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सर टू ईयर इनफ फॉर नीट के लिए क्या नितेश झा ऑफकोर्स टू ईयर्स आर मोर देन इनफ अगर आप ढंग से पढ़ाई करो तो ऑफ वो वोर्स यहां पे अगर तो आएगा ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड Gibbs एनर्जी ऑफ the reaction. कोई कंफ्यूजन यहां तक अगर जरूरत होगी तो इरम फातिमा लॉक की वैल्यू दी गई होगी एग्जाम में ठीक है सर आप में जुड़ने का चार्ज क्या है ऑनलाइन बेटा त्रिवेंद्रा ये तो आप चेक करके बता सकते हो चेक करके देख लो क्या है उसका ठीक है ओके किसी को और कुछ पूछना है इसमें अब आ गया हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑब्वियसली क्वाइट ईजी ये फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है ठीक है ये आपको पता है ऑलरेडी no. ठीक है ये आपको पता है वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम सेलेक्टेड नॉट टू लर्न ठीक है एंड हेयर वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन और ये डज नॉट डिपेंड ऑन ये सवाल पूछा जा सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ बेटा प्रीतु क्या पताना है आपको क्या समझाना है आपने कुछ पूछा ही है हाई प्लीज हेल्प मी सर हाई सर प्लीज हेल्प मी हाउ डू आई हेल्प यू बेटा आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा सर आपके एक बार कहने पर फिर कोई कंफ्यूजिंग नहीं क्या देर कहने पर ज्वाइन करना था क्या अभी गूगल मीट हाँ भाई त्रिवेंद्र त्रिपाठी सर बीएससी नर्सिंग नीट बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज जिनको कितने नंबर पर मिलेगा जाके पता करो बेटा कॉलेज में मैं क्लास गोइंग नहीं होता है समझ में नहीं आ रहा प्रीतु मैं क्लास गोइंग नहीं होता है इसका क्या मतलब है You are non-attending student okay now this is what we have as conductivity cell is mainly used as a schematic diagram in the actual diagram line here okay Achha, ek baat dhyan for measuring resistance ionic solution we face two problems so, we know that accurate measurement resistance can be performed on wheatstone bridge but okay. dc changes the composition of the solution secondly a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire or other okay The first problem is solved by using alternating current. Electrolyte के लिए कभी भी direct current use नहीं होता Electrolyte के लिए हमेशा alternating current use होता है तो प्रीतु फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा इफ यू आर नॉन अटेंडिंग देन इन दैट पढ़ाई करो क्या दिक्कत है वी आर गेटिंग ऑन 136 थर्टी लाइक्स बाकी लाइक्स कहां चले गए हैं example okay ठीक है चलिए ये यहां पर हमारे पास आ गया अगेन दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव ये तो वही होम्स का फॉर्मूला है ये याद रखना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट जी इज द कंडक्टेंस जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट क्या पूछो बेटा त्रिवेंद्र हिंदी भाषा में क्या पूछना है आपने आपने मैसेज अपना रिट्रैक्ट कर लिया है ठीक है अगेन नॉट टू लर्न कम से कम मैं ये तो बता देता हूं क्या क्या लर्न नहीं करना पूछ लो यार कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो आया मास् पूछन तो का क्वेश्चन मत करो ज्यादा अंग्रेजी की तैसी मत करो हिंदी में पूछ लो ठीक है ये वीट स्टोन ब्रिज की ना कहानी ये फिजिक्स के लिए है ये केमिस्ट्री के लिए नहीं है तो इसके लिए ज्यादा टेंशन मतलब टेंशन तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी फिजिक्स के लिए ले वीट स्टोन ब्रिज तो तुम्हारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है तो वो करो ठीक है अगेन एक बात का ध्यान रखना ये जो थाउजेंड है ना ये ये फिर से कन्वर्जन फैक्टर है डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स ये कन्वर्जन फैक्टर आपको यूज करना पड़ सकता है ठीक है अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं पढ़ते जा रहे हो ना नेटवर्क आपकी तरफ से स्लो हो सकता है मेरी तरफ से तो फुल स्पीड पे नेटवर्क चल रहा है बढ़िया वाला चल रहा है आई एम गेटिंग 350 हंड्रेड स्पीड तो बहुत बढ़िया स्पीड है इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा तरफ से कोई लैग नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं है अपलोड स्पीड तो यहां पर 400 हंड्रेड फेज से भी ऊपर जा रही थी अभी हंड्रेड हंड्रेड पहुंच गई थी ठीक है केमिकल कैंट्रिक कब होगा इसके बाद भारत सोनी क्रैक के बाद मत करो सब सही है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब इसमें किसी ने कुछ पूछना है अरे भैया अगर चैप्टर पढ़ लिया तो जो भी डाउट है पूछ डालो ना मैं भी बता दूंगा और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगले हफ्ते के लिए पूरे हफ्ते के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लो जिससे कि जो भी डाउट्स हैं वो आप अगले हफ्ते में पूछ सको मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप सारे के सारे डाउट रिवाइज कर लो जिससे कि आप शाम की क्लास के अंदर क्वेश्चन के साथ अपने डाउट्स पूछ लो लेकिन रिवाइज आपने नहीं किए हैं ऐसे काम नहीं चलेगा यू हैव टू रिवाइज और फिर तुम कहोगे सर अगर सब कुछ हम ही कर लेंगे तो आप क्या करोगे ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं करना मुझे तुम्हें सिर्फ गाइड करना है करना तुमने है समझे क्लियर वन थर्टी सिक्स लाइक हो गए हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट आपने लाइक करके जाते नहीं है क्या गलत बात है क्लियर अच्छा अब एक बात का ध्यान रखना H प्लस एंड OH एच माइनस हैव exceptionally high conductance in aqueous media samajh aa gayi ye bat? और इसी वजह से यहां पर एट इनफाइन डाल्यूशन एसिटिक एसिड असेट की मोलर कंडक्टेंस केसीएल से ज्यादा हो जाती है ये ऊपर क्यों जा रहा है नहीं तो ये नीचे ही रहना चाहिए ना ये ऊपर इसलिए चला जाता क्योंकि है क्योंकि कंडक्टेंस है फाइन ये है डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन दिस इज डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन ठीक है अच्छा यहां पर ना ये ए है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है चार्जेज ऑन दिस ये ध्यान रखना विच ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट द सेम वैल्यू ऑफ ए ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए ये वन वन टू वन एंड टू टू इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले देखा था लॉ लॉ सीधा सीधा ये कहता है कि अगर हम इनफाइनाइट पे लेते हैं तो हर आयन एक स्पेसिफिक स्पीड से मूव करता है जिस स्पीड का किसी और आयन से कोई लेना देना नहीं होता तो अगर मैं टोटल कंडक्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं हर आयन की कंडक्टेंस का वैल्यू लेकर एड कर दूं तो मुझे टोटल कंडक्टेंस मिल जाएगी तो दैट इज वॉट वी हैव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन ठीक है और इसी कोलराश लॉ को हम यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं अगर मुझे इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टेंस पता है तो इज दिस क्लियर मोलर कंडक्टेंस भी, भी, भी हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस भी होता है इक्विलेंट कंडक्टेंस भी हो सकता है ठीक है ग्राफ तो ऑफ कोर्स बनाना आएगा नहीं आपके एग्जाम के अंदर लेकिन ग्राफ का स्लोप पूछा जा सकता है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा ठीक है ये रहा कोलराश लॉ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोलराश लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल इलेक्ट्रोलाइट बट इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि दिस इज एट इनफाइनाइट डॉल्यूशन और वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डॉल्यूशन शो नहीं करते ठीक है ओके okay. चलो रितु तो बेटा कुछ पूछना तो पूछ लो ठीक है अब यहां पर यह हमारे पास ये एक डेफिनेशन आ जाती है नाउ लामडा इज व्हाट वी हैव एज द कंडक्टेंस और ये हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और ये हमारे पास स्टॉइक्योमेट्रिक कॉफिशन न्यू प्लस एंड न्यू माइनस आर दाइक्योमेट्रिक ऑफिशंस ठीक है ओके सो दैट्स व्हाट वी हैव अच्छा बस इसके अंदर इस वाले के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, देखो एच प्लस की इन कंपेयर टू कैटायंस और ओ एच माइनस की इन कंपेयर टू है? क्या क्लियर नहीं है राहम? अगर आपको लैग और नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है देन इन दैट केस आपको ये रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से देखनी पड़ जाएगी ठीक है प्रीतुल को हेल्प करना है क्या हेल्प करूं भैया पूछ तो लो ठीक है अच्छा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेमडा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस ड्रास्टिकली विद डाइल्यूशन जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोइ का चेंज बहुत ड्रास्टिकली नहीं होता ठीक है ये इक्वेशन एक बार अगर याद रख सकते हो तो रख लो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में एग्जैक्टली exactly आ सकता है और ये आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली exactly आ सकते हैं और यहां पर इनके सॉल्यूशंस जैसे ये वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ जरूर लेना ठीक है जी आज बहुत वेरिएशन हो रहा है स्टूडेंट्स का। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बहुत सिंपल सा है हम पे पहुंच गए हाँ ये रहा है इन इलेक्ट्रॉलिटिक सेल क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज द रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हेव यू हैव द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉलिस प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉलिस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉलिस किस चीज पे डिपेंड करते हैं फर्स्ट नेचर यानी कि पोजिशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल ठीक है दूसरा इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन चेंज कर दो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस बदल जाता है तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ठीक है अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एक्चुअली दो तरीके से है रिएक्टिव और इनर्ट ठीक है रिएक्टिव हो जाता है जो कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के अंदर इनर्ट वो होता है जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता विच ओनली प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एनी ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस या फिर इवन एक्ट कैटलिस्ट वो इनर्ट इलेक्ट्रोड हो सकता है और दूसरी बात ये है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड ठीक है विद रिएक्टेंट और, और अब जैसे अगर प्लैटिनम की बात करते हो तो प्लैटिनम फेवर्स द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम निकल इनके ऊपर हाइड्रोजन रिलीज करना काफी इजी हो जाता है ऑन द अदर हैंड अगर मर्करी की बात करो तो मर्करी पे मेटल रिलीज याद करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन तो सोडियम क्लोराइड का अगर इलेक्ट्रॉलिस करते हो मर्करी इलेक्ट्रोड के साथ तो सोडियम रिलीज हो जाता है निकल प्लैटिनम पैलेडियम इलेक्ट्रोड के साथ करते हो तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है ओके नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रो पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है हाँ राहम आपका मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है मैसेज अगर हो रहा है तो भी और जिसने लाइक like नहीं किया है लाइक like कर दो 138 लाइक्स हैं हमारे पास 150 लाइक्स तो हमें कर ही देने चाहिए ठीक है <laughs> Confusion. okay, so that's what we have as competition. the reaction with higher value of e0 is preferred. cathode cuper, we talk about the reduction potential. anode cuper, we talk about oxidation potential. okay. एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिलीज हो जाएगा कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिलीज हो जाएगा ठीक है अच्छा ये रहा है एक ओवर पोटेंशियल के बारे में हमो डायनामिकली पॉसिबल बट काटिकली डिफिकल्ट वहां पे ओवर पोटेंशियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग द कानेटिक प्रॉब्लम वी ओनली 139 लाइक्स 150 नहीं हो रहा है ग्यारह लाइक like और चाहिए कल तो हमारा 200 भी हो गया था काफी कम लोग हैं आज शायद आकाश के टेस्ट की वजह से फो फॉर द बैटरीज बैटरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी इनका सवाल आ सकता है तो कोर्स आपको इसे पढ़ना है बस मैं तो यहां पे आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा था क्या क्या आपने नहीं पढ़ना है, बहुत है। इसके अंदर कैथोडिक इसका चार्जिंग रिएक्शन और डिस्चार्जिंग रियाक्शन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है फ्यूल सेल फ्यूल सेल इज काइंड ऑफ अ क्रेज एट द मोमेंट तो फ्यूल सेल के बारे में सवाल आ जाता है ठीक है? हैोशन के बारे में रिएक्शंस जनरली नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कोई बात नहीं जो एटीएस में गए वो बाद में आके बता देंगे एक्सप्लेन पीबी स्टोरेज बैटरी पीबी स्टोरेज बैटरी के रिएक्शंस आपको याद रखने कहा गए इसके रिएक्शंस ये रिएक्शन याद रखने है ना आपने बस इतनी सी बात है दिस इज वॉट वी हैव एज द रिएक्शन ऑफ द डिस्चार्ज बैटरी इज इन यूज यानी कि ये डिस्चार्ज रिएक्शन है ठीक है वैसे निकल के एडमियम सेल के ऊपर आज तक रिएक्शन नहीं आया क्वेश्चन नहीं आया इसलिए ये कर लो ये ये तो फ्यूल सेल है निकल के एडमियम सेल के ऊपर नहीं आया इसके अंदर रिएक्शन भी नहीं दे रखा है ये है रिएक्शन इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए ये क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है ये रहा कॉरोजन का रिएक्शन ओवरऑल सेल पोटेंशियल एंड हेयर इट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी ठीक है सो दैट वाज द चैप्टर अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी ने कुछ पूछना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में 142 एंड फोर्टी टू लाइक्स थर्टी फॉर वॉचिंग मतलब ये कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स टीतू आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो यार टाइम पास मत करो बैलेंसिंग नहीं होती इसमें फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोक इसके अंदर अगर फ्यूल सेल और ये की बात करेंगे तो वहां सीधा सीधा इसकी इक्वेशन पूछी जाएगी नॉट द बैलेंसिंग ये कौन सी विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द द्रोशन या फिर फ्यूल सेल के अंदर फ्यूल सेल के अंदर इक्वेशन भी नहीं पूछी जाएगी फ्यूल सेल के अंदर पूछा जाएगा कि व्हाट एक्जैक्टली कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कोई भी वेपराइजेबल फ्यूल अगर होगा कोई भी गैस स्टेट में फ्यूल यूज हो, तो हो, हो सकता है तो वो फ्यूल सेल में यूज हो सकता है जैसे कि यूज यूज हो हो सकता सकता तो है, है, लेकिन कोल यूज नहीं बिहोला बेटा शेड्यूल देखो उसके अंदर तो शायद फिजिक्स की भी रामबाण सीरीज है बॉटनी की तो है ये तो मुझे पता है ठीक सो दैट ज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी ने कुछ पूछना है यहां पर 142 फोर्टी टू लाइक्स बाकी लाइक like कहां है ये तो बता दो चलिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हटाते हुए लेट्स गेट लॉन्ग विद द केमिकल क्लानेट्स कुछ लोग केमिकल क्लानेट्स का इंतजार कर रहे थे उ टू बिगिन ओ विथ केमिकल कॉन्टेक्स हाँ भाई किसी ने कुछ पूछना है यहां तक यस थर्मो डायमेंशन कॉन्टेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशन बिटवीन गिप्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल बता तो दिया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस n fe नॉट अब एक बात का ध्यान रखना दिस इज एक्सट्रिंसिक दिस इज इंट्रिंसिक और इस इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाने का फैक्टर ये है दिस इज व्हाट वी हैव एज़ एक्सट्रिंसिक ठीक है डज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड आर नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक इन नेचर येस दे आर नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक इन नेचर हाइड्रोजन चैप्टर में करेंगे इसे तो चलिए बात करें केमिकल का चैप्टर की केमिकल का चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है ये थर्मोडाइनेमिक्स है और ये काइनेटिक्स है एक मिनट इसके अंदर यह बता देता हूं आपको ये दोनों थर्मो है ठीक है और ये, <coughs> ये काटिक्स सर कोई तो कंफ्यूजन चलिए काइनेसिस ये मोस्ट प्रॉब्ल ये नॉट ये बेकार है यहां तक बेकार है इसमें कुछ नहीं आने वाला ठीक है उ कैन द रेट बी एक्सप्रेस्ड ठीक है ओके okay. कर लो ठीक है नहीं करो मत करो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता ये सारे कहानी हैं तो देखो एक बात का ध्यान रखो स्क्वेयर ब्राकेट इन द अब एक्सप्रेशन आर यूज टू एक्सप्रेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो स्क्वेयर ब्राकेट स्पेसिफिकली यूज फॉर मोलारिटी ऑफ लग रहा है ये एनसीईआरटी वाले मेरी बात को पकड़ते हैं है, क्योंकि मैं का मतलब होता है। ना? 146 हो चुके है यार, चार और 50 लाइक करो भाई उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊंगा जब 175 के पास पहुंचने लगा तब बोलूंगा एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ये हमारे पास है दिस इज फॉर द प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है

ये भी याद नहीं रखना ठीक है ये अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन का मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने बहुत आराम से बहुत ढंग से इसे एक्सप्लेन किया था ठीक है कोई कंफ्यूजन Okay. Achha, factors influencing the rate of reaction is important. Okay? 147b at Kepane, teen like orcha. Dependence of rate on concentration, rate expression, and rate constant. ठीक है एक रेट लॉ है एक हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ भी होता है और एक हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी होता है हमारे पास तीन तरह के रेट लॉ आ जाते हैं ये देखो ये डेफिनेशन तो ऑब्वियसली आपने याद की ही होगी और मेरे ख्याल से ये वाले चैप्टर्स करना तो आपके लिए इजी है क्योंकि आपने ट्वेल्थ क्लास के एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर किया है लेकिन इन चैप्टर्स के जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज शाम को छह बजे हम क्वेश्चन की क्लास करने वाले हैं उसको याद रखिएगा उसमें आना जरूर है ठीक है अब यहां पे है इनिशियल रेट मेथड ये अच्छा है तो हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द द रेट एक्सप्रेशन ठीक है अब रेट इज इक्वल टू के हाफ ये आ गया हमारे पास रेट इज इक्वल टू ये यहां पर इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें ये जो हिस्सा है ये जो पावर है इस पावर को लेकर सिंपली हमें ऐड कर देना तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा ठीक है ना कोई कंफ्यूजन अच्छा एक बात का ध्यान रखना बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेवर गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ अ अ रिएक्शन रिएक्शन टेक्स रेयरली गेट्स कंप्लीटेड इन वन स्टेप इसीलिए सिर्फ एक वन स्टेप की बात कर सकते हैं रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन ये बात ध्यान रखना और बाकी सारे के सारे रिएक्शन दे आर टर्म्ड एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ठीक है

आज सुबह तो हमने 200 क्रॉस कर दिया था कल सुबह किसी को इस चैप्टर में कुछ पूछना है एनी वन हैज टू आस्क एनीथिंग अबाउट इट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा अब हम बात कर रहे थे मोलिकाट हाँ बेटा कुछ कहना है किसी ने तनु आपने कुछ कहा था अनुष्का बोलो क्या डाउट है आपका रेट की यूनिट्स हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेट का यूनिट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप रेट कांस्टेंट का यूनिट भी नहीं बता पाओगे लेकिन रेट का यूनिट तो सीधा सीधा कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है कंसंट्रेशन का जो भी यूनिट होगा अकॉर्डिंगली रेट का यूनिट बन जाता है ठीक है अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमटेनियसली इज वेरी स्मॉल रिएक्शन विद द मॉलिकुलरिटी थ्री आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है किसी का कोई कंफ्यूजन इसमें अब ये वाला इससे यह पता चल जाता है और एक बात का ध्यान रखना थ्री आर वेरी रेयर Molecularity, for and above, does not exist. Okay? Quite confusion? अच्छा हमारे पास आ जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओके क्लियर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्टेप विच इज द मोस्ट फिकल्ट स्टेप इन अ रिएक्शन देखो ये स्लोएस्ट स्टेप कहना जरा गड़बड़ हो जाती है इट इज नॉट स्लोएस्ट स्टेप इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप अब वो मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इसलिए हो सकता है कि उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए दूसरा वो स्लो स्टेप इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर ओरिएंटेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए एनर्जी शायद नहीं चाहिए होगी लेकिन ओरिएंटेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए स्टेरिकली वो डिफिकल्ट हो सकता है वो एनर्जेटिकली डिफिकल्ट हो सकता है किसी भी वजह से वो डिफिकल्ट हो सकता है तो वो अगर स्टेप हो गया तो बाकी का बाकी रिएक्शन तो बहुत आसानी से हो जाएगा सो दैट इज वॉट बिकम्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ठीक है ओवरऑल वो रिएक्शन होने में सबसे ज्यादा टाइम ले लेता है ज हाउ इट बिकम्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ठीक है इसलिए हम उसको स्लो एप बोल देते हैं उसका रिएक्शन स्लो नहीं होता लेकिन वो कंडीशन इस तरीके से होती है कि वो कंडीशन ही मीट करना मुश्किल हो जाता है बायू टू डिस्टिशन कैरियड अंडर रिड्यूस प्रेशर बिकॉज एट द नॉर्मल बॉइयिंग पॉइंट एस टू टू अंडर गोज डीकंपोजिशन यशस्विनी गर्जे वू थिंक आई एम आई टेकिंग द एनसीआर लाइन बाई लाइन इन दीरीज ठीक है एक बात का अच्छी तरह ध्यान रखना ऑर्डर मॉलिकुलरिटी मैकेनिज्म दे आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड दे आर नेवर प्रोडिक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन ठीक है अब ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस भी आपके सामने आ जाता है व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी A complex reaction order is given by the slowest step, and molecularity of the slowest step is the same as the order of the overall reaction. Okay? Quick confusion? आदित्य मैंने इसका आंसर दे दिया आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो द लगा के आपने दोबारा पूछ लिया अंडर द रिड्यूस प्रेशर अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास है जीरो ऑर्डर और, और, और फर्स्ट ऑर्डर आपके कोर्स में है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आपके कोर्स में नहीं है तो अगर आपने किसी ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किया है तो दैट इज फॉर ओनली अकेडमिक यूज इट इज नॉट इन योर कोर्स ठीक है? उसके अलावा उसको जरूर नहीं। चलो 153 लाइक्स हो चुके हैं मैं चुप रहूंगा जब तक 170 लाइक्स के आसपास नहीं पहुंच जाता हां भाई तो ये हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ द इक्वेशन सर केमिस्ट्री में समार्ट का जरूरत नहीं है क्या समार्ट समार्ट क्या होता है कुछ गड़बड़ हो गई क्वीन रॉक जल्दी से बताइए समरी समरी अब अगर तुमने पूरा को पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो समरी क्या पढ़नी है अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो समरी पढ़ लो किसी एक चीज को तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आई वुड प्रेफर कि तुम चैप्टर पढ़ लो समरी तो अपने आप हो जाएगी चैप्टर पढ़ने के बाद समरी दोबारा एक बार रिवाइज करने के लिए पढ़नी है तो पढ़ लो समरी तो दे ही रखी है हर चैप्टर के साथ ठीक है अच्छा एक बात का ध्यान रखना कैटलाइज रिएक्शन जिनके अंदर हेट्रोजिनियस कैटलिस्ट है दे आर मोस्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन okay heterogeneous catalyst reaction are mostly the sorry they can say we depend on the condition 0 order क्योंकि कैथलिस का सरफेस ही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है तो इसलिए वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाते हैं ठीक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है और ये हमारे पास पूरा का पूरा डेरिवेशन है मोनोलेयर क्या स्लो बोलना है बेटा स्क्रीन ब्लर बेटा रिशियली हो जाता है जब मैं पेज चेंज करता हूं तब ब्लर हो जाता है उसके बाद ठीक हो जाता है 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 अभी तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी ब्लर नहीं नीट एंड क्लीन स्क्रीन और कितना बाकी है अरे यार तुम्हें नहीं पता तुम्हारे कोर्स में क्या बाकी है अभी हमारे पास सर्फेस केमिस्ट्री बाकी है ये केमिकल कैंडिक्स चल रहा है ट्वेल्थ का पार्ट थोड़ा कमी था हमारे पास ये डेरिवेशन है डेरिवेशन के अंदर आपको जो फाइनल इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट आ जाएगा ये Hmm. That's good. Yeah, chalak there. Similarly, good. Hydrogenation of of ethene is our example of first order reaction. Appendix 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 4 for ये. अच्छा, ये एक रखना this is not rationalized। अभी ट्वेल्थ क्लास वाला जरे जरा रैशनलाइज हुआ नहीं है मैंने फिर रैशनलाइज वाली बुक अभी ली भी नहीं है ठीक है फाइन अच्छा एक बात का फिर से ध्यान रखना यहां पे ये टोटल प्रेशर है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों है क्लियर तो आपको रिएक्टेंट के हे hey, राम निलय पटरी बेटा मैंने बहुत आराम से बोला था कि सेकंड ऑर्डर आपके कोर्स में ही नहीं है तुम इंपॉर्टेंस पूछ रहे हो जब कोर्स में ही नहीं है तो इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट का क्या मीनिंग रह जाता है ठीक है हाफ लाइफ और रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है अच्छा एक बात का ध्यान रखना टी हाफ के हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन है टी हाफ इज इक्वल टू अच्छा यहां पे आर नॉट बाय टू के जीरो ऑर्डर के लिए ठीक है जीरो ऑर्डर के अंदर ए नॉट अपॉन टू के हो जाता है वैल्यू हमारे पास तीन एक्सप्रेशन आ जाते हैं टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाय के ये एक एक्सप्रेशन है ठीक है दूसरा एक्सप्रेशन है टी हाफ इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग टू बाय के ये भी एक एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फिर हमारे पास है टी हाफ इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट थ्री अपॉन के ये भी एक एक्सप्रेशन है हमारे पास फिर हमारे पास आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ०.६९३ पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय के ये सारे एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के हैं। इज दिस क्लियर ठीक है इतना आपके लिए काफी है ये हम हाफ लाइफ का ऑर्डर इससे हम ऑर्डर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं दिक्कत ठीक है तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक फॉर्मूले के तौर पर यूज किया जा सकता है इंपॉर्टेंट थिंग हाफ लाइफ अगर आपको पता है तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे कि व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू बिकम वन परसेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट या जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट इस तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है अगेन ये इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपको याद रखना है हेलो मीना थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मीना मुझे बुद्धा कहा है तो उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज किया है आई वुड कंसिडर इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ओके ऐसे मुझे समझ भी नहीं आता कि कोई किसी को बुढ़्ढा बोलता है तो लोग उसको नेगेटिव क्यों लेते हैं इट इज समिंग लाइक यू आर एक्सनोलजिंग देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एज ठीक है ना बिना जिए कोई बुढ़्ढा थोड़ी ना हो जाता है ओके सर बोर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आया था हाँ बिल्कुल बोर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आया था क्या हुआ आरव बुड्ढे से सर बन गया चलता है चलता है ओके दैट्स व्हाट वी हैव रिएक्शन अच्छा अब यहां पर हमें से सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए वी शुड कॉल इट अ अमोलिकुलर रिएक्शन क्योंकि ये ऑर्डर तो फर्स्ट है ही उसमें कोई सीडो वर्ड की जरूरत नहीं है बिकॉज एक्सपेरिमेंटली द ऑर्डर टर्न्स आउट टू बी फर्स्ट ओनली लेकिन ऑर्डर अगर फर्स्ट आ रहा है तो मॉलिकुलरिटी अपीयर्स टू बी वन ऑल्दो इट इज नॉट तो इट इज बिहेविंग एज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज इट्स एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर इज वन ठीक है इज दिस क्लियर इसके एक्साम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बात का ध्यान रखना मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने कहा था व्हाट इज द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस और रिएक्शन और जो आर्नियस इक्वेशन है ना वो आरहीनियस इक्वेशन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए ही है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी और आरहीनियस फैक्टर चेंज नहीं हो रहा अगर हमारे पास यूथ चेंज इन टेम्परेचर हो जाए ना तो एक्टिवेशन एनर्जी और अहिनियस फैक्टर भी चेंज हो जाता है दिस क्लेयर ठीक है यार लाइक करते रहा करो भाई लाइक करने में आप आलसी हो जाते हो मुझे टेंशन हो जाती है ठीक है ना ओके ए इज द आजनियस फैक्टर और द फ्रीक्वेंसी फैक्टर आरमीना आरमीना पूछ रहे मुझसे आठ क्लास पढ़ाते हो क्या बेटा हम तो किसी भी क्लास को पढ़ा देंगे आप पढ़ना चाहते हो क्या आपने आठवीं पास कर ली बढ़िया है बढ़िया है कोई बात नहीं लाइक कर दो जितने लाइक करने कर दो ठीक है बढ़िया है एनीवे anyway, चलो तो दैट्स व्हाट वी हैव एज आरहीनियस है इसे आरहीनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं और ये बात थोड़ी सी और ध्यान रखना यह इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पार्ट है ना दिस पार्ट दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर दैन वेशन या आप कह लो थ्रेश होल्ड ठीक है या फिर दिस इज व्हाट वी कैन सिंपली से एज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ठीक है दिस इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो रेट डिक्रीज हो जाएगा क्वाइट ऑब्वियसली कोई बात नहीं मीना मैंने माइंड नहीं किया उस चीज को गलत थोड़ी ना है आफ्टर ऑल आपको सारे के सारे बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं आपकी उम्र से वन पॉइंट फाइव टाइम से ज्यादा अब दो साल के बाद मैं ये कह सकूंगा कि जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी एज से डबल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ट्वेंटी सिक्स ईयर्स इज द टीचिंग एक्सपीरियंस एंड द स्टूडेंट हु गेट इनटू द इलेवेंथ क्लास उनकी एवरेज एज इज नियर अबाउट सिक्सटीन और सेवेंटीन ठीक है ना थैंक यू आरव ओके लेट्स गेट लॉन्ग विद दिस तो यहां पर हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहां पर किसी को कुछ पूछना है यहां पर कुछ भी पूछना है तो पूछ लो भाई ये वाला डायग्राम इस डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है डॉपर इस डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है डायग्राम पूछा जा सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये पूछा जा सकता है कि क्या बताएंगे इसमें विच डायग्राम शोज अ हायर रेट ऑफ रिएक्शन इसको डायग्राम ए बोल देंगे इसको ए ए बोल देंगे इसको बी बोल देंगे तो पूछा जाएगा कि किसके अंदर ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है तो क्वाइट ऑब्वियसली ए का रिएक्शन रेट ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर आर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बियॉन्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है ग्राफ समझाने में तो सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं ये आपका मैक्सवेल बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज है ठीक है दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज ठीक है यहां पे टेम्परेचर टी वन है या टी टू है तो दिस इज द टेम्परेचर टी वन दिस इज द टेम्परेचर टी टू एंड टी टू इज ग्रेटर देन टी वन तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाते तो ग्राफ एक्सपैंड करता चला जाता है मोस्ट प्रोबेबल इलासिटी इंक्रीज कर जाती है नंबर ऑफ मॉलिक द मोस्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाते हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिकल्स हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करता चला जाता है मैं कह रहा था मैं बैंगलोर में बिटा रहा हूं इस समय ठीक है कोई कंफ्यूजन ओके okay. मुझसे कोई भी बच्चा मिल सकता है अबे मैं कौन सा आसमान पे रहता हूं जो मुझसे नहीं मिल सकता या मुझे कोई बीमारी है कि मुझसे मिल जाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी क्यों नहीं मिल सकते नहीं कोचिंग सेंटर नहीं है बट कोई मुझसे मिलना क्यों चाहेगा वो सवाल है मैं कोई एक्सक्लूसिव डरावना थोड़ी ना हूं कि छुपा हुआ हूं या कोई मैं वर्चुअलिटी में थोड़ी ना असलियत में एक्जिस्ट करता हूं यार इंसान हूं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता कोई ठीक है ओके ठीक है ना ये कोई दिक्कत है और ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है ये स्लोप अक्सर पूछा जाता है कि स्लोप क्या है ठीक है ना ओके थर्टी सिक्स वॉचिंग यार लाइक like बढ़ा दो एक्टिवेशन एनर्जी से न्यूमेरिकल बिल्कुल आता है बेटा क्यों नहीं आएगा और ये हमारे पास ये आ जाता है चेंज इन टेम्परेचर से इक्वेशन ठीक है और एक कैटलस वाली इक्वेशन भी आ जाएगी ये इंपॉर्टेंट है देखो ये, ये आ गया ये वाला इक्वेशन एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है कहीं मुझे इंट्यूशन सा हो रहा है कि कहीं ये एग्जाम्पल एज इट इज मत ना चिपका दिया जाए ठीक है एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल जरूर पढ़कर जाना

ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ठीक है तो प्रॉबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर आ जाता है हमारे पास जितना ये कम होता चला जाएगा रेट अपने आप कम होता जाएगा चाहे कॉलिजन सेम रहे एक सवाल पूछा था कहीं ना कहीं पे था कि भाई इफ द रिएक्शन Collisions are enough, but still the reaction is very slow. Although the molecules have an energy greater than the threshold, still they are the reaction is very slow. So, factor? What can The answer is they don't have a proper orientation. Is this clear? दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर कॉल्ड केमिकल कांड कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो भाई कुछ भी पूछना है तो पूछ लो जल्दी से ये क्वेश्चंस जो हैं यहां पर इनके सॉल्यूशंस एक बार जरूर पढ़ लेना सरफेस केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करते बेटा टाइम है हमारे पास कोई टेंशन थोड़ी ना सरफेस केमिस्ट्री तो छोटा सा टॉपिक है हाँ भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो ये रहा सरफेस केमिस्ट्री लेकिन सरफेस केमिस्ट्री के साथ भी एक और दिक्कत है ना ये भी तो आपके कोर्स में नहीं था चलिए सरफेस केमिस्ट्री की बात करें लेट्स केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है Let us see कि यहां पर क्या चीज एडजॉपन में एडजॉप्शन इन एक्शन क्या होता है एडजॉप्शन एड्सॉर्बेंट एड्जॉर्बेट इनके बारे में क्या सवाल हो सकता है एड्जॉपन इन एक्शन मिथिल ब्लू यार ये पढ़ लेना इसको एब्जॉर्प्शन इन एक्शन इसके अंदर सवाल बनाना जरा मुश्किल हो जाएगा कैसे बनेगा दीज ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट वर्ड ये पूछा जा सकता है एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन देखो इसके अंदर से ना केमिस्ट्री के अंदर से एक क्वेश्चन आना है और आना है ये बात तो पक्की है ठीक है वो क्वेश्चन क्या आएगा सी distinction between adsorption and absorption ओके अभी एड्जपन का क्या मतलब है ये देख लेना एक छोटी सी बात ये वाली डेफिनेशन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है फैक्ट ये सर्फिस है बैलेंस्ड है देखो ये एक बात ध्यान रखना वैसे ये स्टेटमेंट गलत है

हमारे पास फिजिकल एड्सॉप्शन है जिसे हम फिजिक ऑप्शन बोलते हैं ठीक है केमिकल एड्सॉप्शन है और उसको केमिक्स ऑप्शन बोला जाता है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी ये एक बात इसके अंदर टेबल है हाँ इसके अंदर भी टेबल है टेबल 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 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेबल वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इसे बहुत अच्छी तरह आपको याद रखना है ठीक है Adsorption isotherms, दिस is इज फ्रेस adsorption isotherm एक लैंग्वेज भी होता है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि नाम नहीं दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है यहां पे टेम्परेचर पूछा जा सकता है इसको ऐसे करके दिया जा सकता है यहां पे T1 दे, दे देंगे T2 T दे देंगे दे दे दे, T3 दे देंगे दे 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 और पूछ लेंगे कि वॉट इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ये सवाल बन सकता है समझ में आ रहा है किसी को कोई कॉन्फ्यूजन तो नहीं है जिसने लाइक नहीं किया वो फटाफट लाइक कर दो Okay, I hope there is no confusion anybody. फ्रॉम सोल्यूशन फेज अच्छा एक बात का ध्यान रखना इसमें सिर्फ ये जो पी पी रिप्लेसड बाय सी हो गया है यानी कि पार्शल प्रेशर है बाकी सब कुछ सेम रह गया है अब यहां पर एक कभी हुआ करता था निगेटिव एड्जॉप एंड पॉजिटिव एड्प्शन नेगेटिव एड्जॉर्प्शन का कोर केस नहीं है एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉप्शन हमारे पास ये आ गया क्या है ये भी एक बार पढ़ लेना क्योंकि तो ये क्वेश्चन आ सकता है एड्सॉप्शन इज यूज फॉर या फिर क्वेश्चन आ जाएगा नॉट यूज फॉर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है अगर फालतू का क्वेश्चन बनाने की बात आए तो एस ब्लॉक इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस साल तो इंपॉर्टेंट है अगले साल का पता नहीं ठीक है ये बड़ी मजेदार सी बात है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस इवन इनर्ट गैसेस कैन बी यूज सेपरेटेड बाय यूजिंग एड्सॉप्शन अब आ जाती है बात कैटलिस की कैटलिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीन जगह पे आ गया है केमिकल कैनेटिक्स में आ गया है ये सर्फेस केमिस्ट्री में आ गया है और ये ये उसमें भी तो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में प्रमोटर्स एंड पॉइजन इनकी खास बात ये कि दोनों ही कैटलिस्ट पर वर्क करते हैं ठीक है और हमारे पास आते हैं कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर्स ठीक है स एंडोजनस कैटलिस इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी के अंदर पेंसिल से लिखते चले जा रहे हो ना और ये हमारे 160 लाइक पे अटक गया है बिल्कुल अटक गया लाइक पर कर नहीं रहा है कोई भी लाइक नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं गलत बात है तो इट्रोजिनियस एंड होमोजनियस कैटलिस्ट, वी हैव कॉम्बिनेशन बिटवीन ये सारे के सारे कैटलिस्ट आपको याद रखने हैं और ये एडजॉपशन थ्योरी संभाव कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गई है ठीक है ना ये सारे के सारे ये जो ये ना ये 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 जो ये है पहले एड्सॉप्शन ये स्टेप्स वन टू थ्री फोर इनका जो ऑर्डर है इसका क्वेश्चन बना हुआ है ठीक है किसी ने गलती से कहा कि चल यार इतनी देर से सर बोल रहे हैं एक लाइक तो कर ही देते हैं ठीक है ना सेलेक्टिविटी है सेफ सिलेक्टिविटी ये जियो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट और ये ZSM 5, 5, is एस एम फाइव thing सी मोलिकुलर प्रोसिटी फाइव इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग एनजाइम कैटालसट्रोजनिकोड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है और एंजाइम कैटलिस्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है वैसे तो ये बायोलॉजी का है लेकिन ये केमिस्ट्री में भी सवाल पूछा जा सकता है ये देखो ये सारे के सारे कैटलिस्ट ये नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है ओके okay? ये देखो लैक्टोबैसिली एंजाइम लैक्टो लैक्टोबैसिलस नहीं होगा लैक्टोबैसिली तो ये एंजाइम है या बैक्टीरिया का नाम है चलो जो भी है Tripsin है ये नाम रखना पड़ेगा वाई एन हाइड्रोस हेलाइड कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम मटेरियल्स मेड इन एक्वस मेरा पानी डाल रखा भी कह रहे हो एक्वस क्यों नहीं मिलेगा बेरोलियम हाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोलाइज हो जाएगा बेरोलियम क्लोराइड ठीक है फिर हमारे पास एक्टिवेटर्स है, है मैकेनिज्म केमिस्ट्री तो का क्या है बायोलॉजी का ज्यादा है और ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ठीक है इसे जरूर कर लेना और अब हम आ जाते हैं कॉलोइ के ऊपर टेबल 5.2 क्या हुआ टेबल 5.2 के ऊपर 5.3 है तो 5.2 को क्या हुआ हाँ ये, ये सॉरी सॉरी मार्क करना भूल गया वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल भी आएगा ठीक है तुम तो कह रहे हो बारिश में भीगते हुए हमारे कपड़े सूखे क्यों नहीं है आदित्य ऐसा सवाल नहीं पूछते बेटा हा वन सिक्स थ्री लाइक हर सोचने वाली बात है 175 तक हम पहुंचेंगे यानी नहीं पहुंचेंगे एवर्स प्रोसेस हाइड्रोजन ऑप्टेन बाय रिएक्शन मिक मिथेन विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ एनआईओ एज कैटलिस्ट कॉलोइड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स ये इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा ठीक है ये नाम याद रखते हैं आपने ठीक है और ये हमारे पास क्लासिफिकेशन इसका भी कोई टेबल है ना मिसल फॉर्मेशन नहीं यहाँ पे टेबल नहीं है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन ये पार्ट इम्पोर्टेंट है ठीक है ना प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स क्वाइट ऑब्वियसली यहां से ये यह सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अब ये जो नाम है ना डबल डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस रिडक्शन ये चार नाम याद रखना विच ऑफ दीज कुड बी द केमिकल मेथड्स इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलोजिस इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिडिक्स आर्क मेथड ये इंपॉर्टेंट है ये, थे, ये थे, सारे के सारे हैं अच्छा पेप्टाइजिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, ये हमारे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं पॉलोडियॉन नाम है ultrafiltration electrodialysis dialyzer properties of colloidal solution tyndall effect and tyndall cone as a colloidal particles important uh, scattered the wavelength light further depends on the size and nature of the particles कोलॉइड्स के अंदर सेम सब्सटेंस के अगर पार्टिकल का साइज डिफर कर दिया जाए तो कोलॉइड्स का कलर बदल जाता है इज दिस क्लियर देखो ब्राउनियन मोशन क्वाइट इंपॉर्टेंट और ये लर्न ये एग्जैक्टली exactly पूछ लिया जाएगा विच ऑफ इज अ पॉजिटिव कॉलॉड विच ऑफ द नेगेटिव क्लॉइड और यहां पे हीमोग्लोबिन को पॉजिटिव क्लॉइड बोल रखा है तो आपको मानना पड़ेगा कि यह पॉजिटिव कॉलॉड है ठीक है और यहां पर ये बात कर रहे हैं जीटा पोटेंशियल की इलेक्ट्रोकानिटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल की तो ये एक बार बहुत ढंग से पढ़ लेना कि हमारे पास एजीआई आई है उसके ऊपर आई है फिर उसके ऊपर एक फाइनल लेयर ऑफ पोटेशियम का बन जाएगा फिर एक पूरा लेयर बन जाएगा, तो एक डबल लेयर बन जाता है आया हुआ है ऑफ स्टार्च। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसी ने पूछना है क्या कॉल के बारे में कुछ भी अगर पूछना है तो जल्दी से पूछ लो कोशन में क्या होता है वो देख लो ये मेथड्स इंपॉर्टेंट है हाउ कैन वी कोआगुलेट द कॉलॉयड्स पूछा जा सकता है ये हार्ड हार्डिशुल्स रूल है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये बहुत बार आता है ठीक है प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स अब इसमें गोल्ड नंबर दे दिया है क्या इन्होंने नहीं गोल्ड नंबर नहीं दिया है। इमलशंस बताया है टेंडल इफेक्ट बताया है around us. Chapter एक बार पढ़ जरूर लेना अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना यहाँ पे यूजेज ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप ये सारा का सारा क्लाइट में क्लॉइड का क्या एसोसिएटेड क्लोइड नहीं दिखाया क्या गायब हो गया क्या, क्या? Associated मैंने नहीं देखा क्या ये रहा. Changing action of soap. Hmm. चलिए चैप्टर समाप्त हुआ हमारा शाम को छह बजे बिल्कुल याद से पूरी तैयारी के साथ आ जाइएगा क्वेश्चंस करने के लिए क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट सोल्यूशन रडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कार्री छह चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं हमें दो घंटे से ज्यादा भी लग सकता है तैयारी के साथ आना ओके देन बाय टेक केयर भाई जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो और uh, यही गूगल मीट का लिंक आपके पास फिर से आ जाएगा मैंने उसके गूगल मीट का लिंक ऑलरेडी डाल दिया है उसको भी जाके लाइक कर दो अभी कर दो लाइक ठीक है ना कोई कंफ्यूजन किसी को बाय टेक केयर गुड डे हाँ किसी ने कुछ पूछना है क्या ग्रेट प्रत्यश चलो बाय तनु एग्जिट करो बेटा ओके okay, लेट्स stream. स्ट्रीम बाय टेक केयर छह बजे याद रखना ना